हैं सर? हाँ सर, हेलो अनिश सर, हेलो। उदय सर, हाँ सर, बोलो ना। आपने ना हैंड रेस किया, आप किस नाम से हैं? आपको होस्ट बनाना है ना, हाँ बनाओ ना नाम से हैं आप? सर, मैंने हैंड रेस किया है ना। अच्छा ठीक है, आपको बना रहे हो, आप होस्ट हैं, आप डील करें। ठीक, एवरीवन, गुड इवनिंग। पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना? मैंने अलाउ किया है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, ठीक है ना? तो जब भी जरूरत पड़े आप अनम्यूट करो या फिर हैंड रेस करो, ठीक है? वैसे तो म्यूट ही रखो। तो स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटी के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली मैं अनसॉल्व से स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज। आई होप सबको बेसिक्स पता है ना? उस दिन हम थोड़ा पॉलिनोमियल में गए थे, बट क्वाड्रेटिक का बेसिक्स आता है। जहाँ पे भी सट्टा रहेगा ना मैं बता दूंगा। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या सबको? सबको यस मेरी सर, आवाज़ क्लियर क्लियर है? है। यस हाँ सर, सर, क्लियर है। क्लियर है ओके, सर। ठीक है, ठीक है, चलो। जहाँ पे भी कोई शॉर्टकट या कुछ आएगा ना तो मैं बता दूंगा आपको। और कुछ उदय सर, क्लियर? गुड इवनिंग। हेलो, क्लियर है क्या आवाज? गुड सर, गुड इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तिवारी जी। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फटाफट आंसर दो, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए। देखो बहुत इजी है सर ना? क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, नहीं फाइल्स सर, नहीं वो दिख रहे? क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ये मैं फिन क्वाड्रेटिक वो पूरा स्लाइड अलग दिख रहा फाइल्स दिख रहे अलग अलग फाइल्स दिख रहे सर, आपके सर लैपटॉप की फाइल स्क्रीन दिख अटक रही है सर। लाइब्रेरी का पेज ओपन है। गया लगता। देखना चाहिए यार, अभी दिख रहे क्या? हाँ सर, अभी दिख दिख रहा रहा है। है। दिख रहे क्या? हाँ हाँ सर, सर, स्क्रॉल कर रहे हैं आप। नो सर, ओके ठीक है, नो सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन पहले आप ट्राई कर लो, जल्दी से बोलो आंसर। बहुत जल्दी आंसर, बिना सॉल्व किए ये आंसर आ सकता है ना? बिल्कुल। हालांकि चार इक्वेशन गिवन है, देयर आर फोर इक्वेशंस, और चारों के रूट्स फाइंड आउट करके आपको मैच करना है। ऑप्शन बी सर। अच्छा, ऑप्शन बी तिवारी जी का आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक आया क्या आंसर सबका? दिस इज द राइट आंसर। पता नहीं मेरे रेटिंग कहाँ। बिना सॉल्व किए किसका किसको नहीं समझा मैं बता देता हूँ। बिना सॉल्व किए आंसर आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन हाँ बी आंसर है, बट किस बिना सॉल्व किए किसको नहीं आया वो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। एनी वन? ध्यान बताओ सर। दो, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे कि ये मेरे ये यहाँ पे पी है, पी वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है क्या? पी, और यहाँ पे एक ही इक्वेशन में पी है, तो इसका आंसर तो टू ही होगा। तो सी का टू किसके सामने? देखो बी, बी में है और सी में है, ठीक है, बी में है और सी में है। फिर उसके बाद देखो ये दिखा मुझे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में आप अगर देखोगे, डी जो आपका डी में देखो x²-5x+6 है, तो ये एक सट्टा है कि अगर ए और सी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, या फिर ए और सी का साइन सेम है और बी का ऑपोजिट है, तो बोथ द रूट्स विल बी पॉजिटिव। तो डी का आंसर क्या होगा? वन। डी का आंसर क्या होगा? डी का मैचिंग किसके साथ? वन के साथ होगा, सर नहीं क्योंकि दोनों समझे। पॉजिटिव थे इसमें। तो कौन सा आंसर है? देखो टू और वन, तो ये एलिमिनेट हो गया, तो आंसर कौन सा आया? थी क्लियर है क्या? देखो सर वो डी ऑप्शन वाला रिपीट करो ना। डी ऑप्शन वाला सकता ये है, प्लीज लिख लो जिसको नहीं पता था पहले, है ना?
x square minus 5x plus 6 is equal to 0, तो ये एक शॉर्टकट है। इसमें अगर a और c पॉजिटिव होते हैं और b आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, और रूट्स रियल होने चाहिए ऑफ कोर्स, अभी प्लस माइनस की बात करते हैं। सो a और c अगर आपके सेम साइन है और जो आपका b है ऑपोजिट साइन का है, देखो ना ये माइनस है और बाकी a और c पॉजिटिव है, तो हमेशा बोथ द रूट्स विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो बोथ द रूट्स पॉजिटिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वन में, तो डी का आंसर वन आएगा। सो डी का वन किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, इसमें आ रहा है बी में आ रहा है, सो आंसर बी होगा। पहले ही ए और डी पहले एलिमिनेट हो गए थे इस पी की वजह से। क्लियर है क्या? अब क्लियर है, बिना सॉल्व किए मेरा आंसर आया और विद इन अ मिनट ही आया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक सट्टा और बताता हूँ मैं यहाँ पे, नंबर टू में ये सट्टा है क्या है, हालांकि सट्टा काम नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन सट्टा जान लो आप, किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए। सेम सट्टा, सेम डी वाला देखो, तो डी वाला मैंने अप्लाई किया था ना, देखो ना A और C पॉजिटिव बी नेगेटिव, 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 और देखो इधर देखो सारे रूट्स पॉजिटिव है, दिख रहा है क्या, सारे रूट्स पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में सट्टा काम नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो ये सट्टा यहाँ कंटिन्यू हुआ है, तो आंसर क्लियर समझ आ गया होगा। अभी बोलो इसका आंसर, सी तो ये वाला है, सी का आपका फोर आएगा, सी का कौन सा आएगा, फोर, सी का फोर इधर है, ये ऑप्शन में है, और देखो दूसरे ऑप्शन देखो यहाँ पे है, तो एक तो आपका सी का फोर इधर ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, ठीक है। और क्या चेक कर सकते हैं आप, सर ए का टू आएगा, बी का वन, देखोगे अगर ए का, अच्छा ये टू वाला ऑप्शन देख सकते, टू वाला देखो ना, एक चीज क्या सट्टा कल सर ने बताया था, नहीं सर ने, अगर कोएफिशिएंट जीरो तो एक वन रूट आता है, तो इसी का है जिसमें सम आपका सम ऑफ द कोएफिशिएंट क्या आता है, जीरो आता है, इसका मतलब ए का क्या होगा, टू होगा, ए का टू किसमें है, देखो ए ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया, ए इज द राइट आंसर, ए आपका आंसर राइट हो गया। क्लियर है क्या सर, वो सम ऑफ कोएफिशिएंट तीनों कोएफिशिएंट का करना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सम ऑफ द कोएफिशिएंट का मतलब होता है टू और ये प्लस सेवन और माइनस नाइन, तीनों को ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी, एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो है तो हम बोल सकते हैं हमेशा कि एक रूट वन होगा और दूसरा रूट क्या होगा, सी बाई, दूसरा रूट भी क्या होगा, सी बाई, देखो सेवन बाई टू दिख रहा है क्या, दूसरा रूट सी बाई। यस सर, तो ये दो तीन सट्टे जिनको नहीं बताते वो प्लीज आप नोट करते रहो, है ना, साथ ही साथ। तो आई होप फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, चलो थर्ड बोलो जल्दी से, कंडीशन है सिर्फ कंडीशन, मैं रीड कर देता हूँ जिनको दिख नहीं रहा है, ध्यान दो बहुत इजी है, सम ऑफ ऑल द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो ए का फोर हो जाएगा, ए का फोर सिर्फ ए और सी में है, डी ऑप्शन अगर देख रहा हूँ मैं, डी ऑप्शन आइडेंटिकल के लिए डी इज इक्वल टू जीरो, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए, सो डी का टू आना चाहिए, डी का क्या आना चाहिए, सी इज द राइट आंसर, दैट इज सी इज द राइट आंसर, आंसर इसका कौन सा हो गया, सी। क्लियर है क्या, यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी के भी ऑप्शन देख लो, बी में क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए होता है, ठीक है, कंडीशन ऑफ द रूट्स बहुत इजी है, नेचर ऑफ रूट्स पे है ना, और रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, है ना, डिस्टिंक्ट नहीं बोलता तो फिर आ जाता, सिर्फ रियल बोलेंगे तो इक्वल टू जीरो भी आता। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ वन, जल्दी बोलो, इनइक्वालिटी का पूरा इनइक्वालिटी का सम ये फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, प्लीज ट्राई करो सब लोग जल्दी से, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, सर ऑप्शन ए, फोर्थ का ऑप्शन ए है, ओके फिफ्थ का सी, देखो बड़ा इजी है पता है, अगर तुम पहला ही सॉल्व करते ना, पहले ही अगर सॉल्व करते ना, तो इन्होंने क्या बोला है, पहले तो इस चीज को समझो, पॉलीनोमियल इज फैक्टराइजेबल इनटू क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर, तो इसका मतलब होता है, आगे भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर रियल लीनियर फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपके रूट्स रियल आने चाहिए, आपके रूट्स क्या आने चाहिए, रियल आने चाहिए, बिल्कुल सिंपल है ना, पॉलीनोमियल अगर आपका रियल है, मतलब एक्चुअल में पॉलीनोमियल है, तो उसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, है ना, कोएफिशिएंट्स भी रियल है ना, अगर कोएफिशिएंट्स रियल है तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी, सो एक्स की वैल्यू रियल मतलब
रूट्स रियल, मतलब d greater than or equal to 0. तो 4x square plus kx plus 1, यहाँ पे d निकालो, तो b square minus 4 is 0. तो क्या आ जाएगा बोलो? k square minus 16. क्या हो जाएगा? k square minus 16 greater than or equal to 0. तो हमेशा याद रखो, जब x square minus a square greater than or equal to 0 होता है, तो हमेशा याद रखो कि minus a से छोटा और plus a से बड़ा. तो plus a मतलब 4 ना, 4 से बड़ा और minus 4 से छोटा. तो आंसर 2 आएगा. अभी देखो, a का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मेरा ये आंसर आ गया खत्म. किस्मत अच्छी थी, सारे नहीं कर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी. क्लियर है क्या? यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, फोर्थ क्लियर है? किसी को डाउट है? जी भाई का स्ट्रीक. चलो सी 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 बहुत इजी है. 7 माइनस 4 कितना हो गया बोलो जल्दी से. 7 माइनस 4 कभी पेन पेपर की जरूरत पड़े बताना, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर लूंगा. लेकिन बहुत स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 कितना हो गया बोलो? 3. तो माइनस 3 आना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 3x आएगा बराबर. और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस 4 इनटू माइनस 4 माइनस 4. सी इज द राइट आंसर. मैं पढ़ते जा रहा हूँ आगे, प्लीज किसी को डाउट हो प्लीज बोल देना. ठीक है चलो. नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सर. बी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6 एंड प्रोडक्ट, क्या अभी 6 है तो बहुत इजी है कि आंसर आ जाएगा बी. थोड़ा क्लियर नहीं है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 है. ठीक है, सो आंसर बी हो जाएगा. चलो जल्दी से फटाफट इसका बताओ. अच्छा ये एक सट्टा है. क्या सट्टा है जल्दी बोलो? सट्टा ये है कि अगर a प्लस रूट बी रहता है तो दूसरा a माइनस रूट बी रहता है. रूट हमेशा आ जाएगा. तो एक रूट अगर 2 माइनस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 दूसरा होगा, तो प्लस 4 आ जाएगा. तो माइनस 4 जब ऐड करोगे तो 4 माइनस 3 प्लस 1. 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 1. तो प्लस 1 किधर है? आपका आंसर आ जाएगा डी. आंसर कौन सा आ जाएगा? डी. क्लियर है? एनबी 2001. तो आंसर बताओ जल्दी से. बहुत इजी है. बी. और अटेंडेंस के लिए मुझे फिर से फोटो ही निकालना पड़ेगा क्या? बी. हाँ सर, फोटो मोबाइल से है ना? हाँ हाँ निकाल ली. हाँ सर मोबाइल से. मतलब और कोई ऑप्शन है सेव करने का कुछ इसमें? लैपटॉप से कट कर सकते हैं सर. ओके मैं कर लूँगा. चलो एट बोलो जल्दी से. एट का आंसर, ये तो 3 प्लस 2 रूट 3 आएगा, 3 माइनस 6 आएगा तो माइनस 6 आना चाहिए. तो माइनस 6 वाले ये दो ऑप्शन है. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि 9 माइनस क्या हो जाएगा? 12 बराबर माइनस 3. आंसर कौन सा बोलो? बी ऑप्शन. बी इज द राइट आंसर. देखो पेन पेपर चल ही नहीं रहा हमारा. आगे बढ़ते चलो. 9th बोलो. 9th सी ऑप्शन. सी somebody sir सी आएगा. हां सर इसमें गड़बड़ क्या होती है? बहुत लोग का ए और बी में आंसर आ जाता है. ये देखो, इसको पता है कैसे लिखोगे? देखो मैं बता देता हूँ एक बार, इसको बता देता हूँ. ध्यान दो, रूट वन चेंज करने के लिए माइनस वन प्लस रूट टू माइनस वन है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे. एक्चुअली इस फॉर्मेट में लिखना है माइनस वन प्लस रूट टू. लिखे क्या लिखेंगे? रूट मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं ऐसे लिखूं. कॉम्प्लेक्स सम x प्लस i y जैसे लिखते हैं. ठीक है हाँ बिल्कुल. और ये माइनस वन पहले लिखेंगे फिर दूसरा रूट माइनस रूट टू आएगा. माइनस क्या आएगा? रूट टू आएगा. क्लियर है क्या? अरे हाँ कि नहीं. तो इस केस में जब आप ऐड करोगे ना तो टू आएगा और फिर वो माइनस लगाएंगे, सॉरी माइनस टू आएगा और माइनस माइनस प्लस होके प्लस टू. प्लस टू एक्स वाला एक ही ऑप्शन आंसर सी हो गया. अरे हाँ कि नहीं, किसी को डाउट है? नो सर, पहली बार समझा. ओके ऋतिक वेरी गुड. चलो मैंने पूछा फिर से. सर सिर्फ सट्टे वाले क्वेश्चन ले सकते हो क्या? कार्तिक क्या नहीं जैसे बोलो तुम. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. मतलब बिना पेन पेपर के ही तो कर रहे हैं, है कि नहीं? चलो ठीक है. 10th बोलो जल्दी से. 10th सी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद विद रियल कोएफिशिएंट्स जल्दी बोलो. सी. पक्का आगे बढ़ो मैं? करूं देखो 2 प्लस 3 आई है तो अगला 2 माइनस 3 आई हो जाएगा. सो 4 माइनस 4 आना चाहिए है ना. माइनस 4 इधर सी ऑप्शन में है. ऐड करोगे तो इसके मल्टीप्लाई करोगे इसके प्लस बी स्क्वायर आता है. ठीक है सो आंसर आपका सी हो जाएगा. चलो जल्दी से बोलो सर. कोई तो बोले 9th नहीं समझा. 9th अरे
विश्वजीत को नहीं लिखने समझा विश्वजीत ओके ओके ठीक है ठीक बताते रहो यार तन्ना मैं देख भी बता चलो ठीक है अच्छा ये बताओ चैट बॉक्स साइड में भी ऑन कर सकते हैं ना हाँ सर कर सकते हैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको और ये इधर रखा मैंने चलो ठीक है अभी सर डबल क्लिक करके साइड में वालों को कर दिया मैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं नाइन्थ बता देता हूँ नाइन्थ ध्यान दो नाइन्थ में देखो विश्वजीत माइनस वन प्लस रूट टू लिखोगे क्योंकि मैंने फॉर्मेट क्या बताया ए प्लस रूट बी तो जो आपका ऐसे समझो जो आपका रैशनल वाला पार्ट है वो पहले लिखने का इरेशनल वाला बाद में लिखने का विश्वजीत समझ रहे आप तो आप कैसे लिखोगे इसको ध्यान दो मैं बता देता ये ऐसे लिखने का मैंने लिख के भी बताया था माइनस वन और प्लस रूट टू लिखोगे क्या लिखोगे माइनस वन प्लस रूट टू एक तो आपका रूट ये हो गया दूसरा रूट क्या होगा बोलो दूसरा रूट ये तो चेंज नहीं होगा इसका साइन चेंज होगा बराबर ना अब तुम दोनों को ऐड करो तो दोनों को जब ऐड करोगे सम ऑफ द रूट्स माइनस टू आएगा और जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो आंसर आपका प्लस टू एक्स वाला आ जाएगा क्लियर है क्या और नन ऑफ दीज नहीं है तो मैं प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं समझता बराबर ना मल्टीप्लाई करना ही नहीं है तो आंसर मेरा सी आ गया विश्वजीत आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओके ठीक है क्लियर ओके फाइन चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं विश क्या नाम है तन्मय मुझे बताते रहना चैट बॉक्स में से है मेरे पास बहुत इजी है कर लोगे मैं आगे बढ़ देता छोड़ देता हूँ इसको सिमिलरली ये भी कर लोगे इलेवेंथ भी फोर प्लस रूट थ्री है चलो ट्वेल्थ बोलो टेंथ का कुछ सोचना ही नहीं है रूट्स के बारे में सोचना नहीं ऑल्दो रूट्स इसका पता है माइनस वन बराबर ना हाँ तो हालांकि सट्टा इतना काम नहीं आ रहा है पर फिर भी उतना भी नहीं सोचना आंसर आपका डी आ जाएगा किसी को भी डाउट रहे बोलते रहना चलो 13th देखो 13th अल्फा बीटा रूट्स है वापस कौन सा 12th हाँ वो सट्टा हाँ 12th देखो अगर आपके पास ध्यान दो मुझे ना अटेंडेंस के लिए याद दिलाना 10 मिनट पहले ठीक है 8:20 को याद दिलाना अटेंडेंस ले लूँगा टाइम बहुत है चलो ध्यान दो सट्टा सुनो इधर मैं कलर चेंज कर देता हूँ ये कलर बराबर नहीं रहता चलो ठीक है ध्यान दो सट्टा ये है कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर सट्टा आप लिखते जाओ जमा करते जाओ अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ठीक है प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ऐसा इक्वेशन है उसके रूट सपोज अल्फा बीटा है क्या रूट है अल्फा बीटा और मैं लिख नहीं रहा हूँ ठीक है आप समझ लेना आप इसके रूट अल्फा बीटा है और मुझे ऐसे रूट चाहिए 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा रूट चाहिए और उसकी इक्वेशन चाहिए उसके लिए मैं पता है क्या करूंगा a और c को इंटरचेंज कर दूंगा a और c को क्या कर दूंगा इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा तो मेरे कहने का मतलब अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखता c x square plus b x plus a plus a is equal to 0 बोलो ना सर इसमें साइन चेंज नहीं करना है ना कुछ नहीं करना नथिंग आपको ए के पास लाना है और ए को लेके जाना है सी के पास होगा बिल्कुल साइन के साथ साइन भी इंटरचेंज ही होगा जैसे मान लो सी अगर माइनस टू है ना तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा
ए सपोज वन है तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, समझा क्या? और रहेगा क्या? और देखो अगर मान लो हालांकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन के रूट्स ही फाइंड आउट करने, तो आप क्या कर सकते हैं बाद में, आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ रहा है क्या? सर, बाद में आप माइनस, क्योंकि उस रूट चेंज नहीं होंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसके रूट अल्फा बीटा है और इसके रूट वन बाई अल्फा वन बाई बीटा। पहले वाले के रूट जो है यहाँ पे देखो कर्सर दिख रहा है क्या, इसके रूट वन अल्फा बीटा है, इसके रूट वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, मैंने ए और सी को इंटरचेंज किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो ए और सी सेम ही है, ए और सी क्या है, सेम है। सर बी की वैल्यू चेंज नहीं होती ना? नहीं नहीं, बी की वैल्यू चेंज नहीं होती, तब ए और सी को इंटरचेंज करो, आपके रूट्स वन बाई अल्फा वन बाई बीटा हो जाएंगे, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन। 13 का आंसर क्या जाएगा बोलो? डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट वन बोलो, नेक्स्ट वन। हाँ चलो अभी 13 बोलो, 13 अल्फा बीटा के रूट्स है। अब देखो ये सट्टा है, ये भी सट्टा है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसका अगर आप ट्रेडिशनली करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, मतलब आपको बहुत लेंथी जाएगा। तो वन प्लस अल्फा प्लस वन बाई बीटा और बीटा प्लस वन बाई अल्फा, अगर देखो पहले रूट क्या है, अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन बाई बीटा और बीटा प्लस वन बाई अल्फा, तो आपका जो आंसर आएगा, ध्यान दो, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन, सी सी आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, सी। हाँ ठीक है, क्लियर है, याद रखना है बस, और कुछ नहीं। टी ए इंटू बी टाइम्स सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मैंने भी याद ही रखा है। आप इसको डिराइव ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट डिराइव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली याद रखो, अल्फा प्लस वन बाई बीटा, बीटा प्लस वन बाई अल्फा। एक्चुअली कैसे आता है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको सम मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस। समझ आया क्या? तो बिल्कुल भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू रिमेंबर दैट। यस सर। मुझे बस एक बार स्टेटमेंट देखो, मैं बोल रहा हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन द इक्वेशन ऑफ विच द रूट्स आर अल्फा प्लस वन बाई बीटा एंड बीटा प्लस वन बाई अल्फा विल बी सी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट्स ऑल, दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है? यस सर। अरे ओके, नहीं याद रखो, याद रखो, याद रखो, कैसे मैंने याद रखा, देखो पहले मैंने सी ए लिखा, सी और ए का ही गेम है सर, बी चेंज नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे सी ए आ जाएगा, यहाँ सी प्लस ए आ जाएगा और यहाँ सी प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, बस दैट्स इट, क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते, कैसे भी याद रखो, 14 बोलो जल्दी सर, रिपीट करो ना सर, रिपीट रिपीट रिपीट। देखो मैंने कैसे याद रखा है कि सी ए और ए का गेम है यहाँ पे, सिर्फ सी ए लिखने का यहाँ पे, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो तुम, सर ए एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, सी मैंने इधर लिखा है ना, यहाँ पे बी था तो बी की जगह पे बी से के लिए एक्स्ट्रा सी प्लस ए लिखा, और यहाँ पे सी प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा सी की जगह पे, बस ऐसे कैसे भी याद रखो, तो सी प्लस ए यहाँ पे है, यहाँ पे सी प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बी एक्स है और यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, बस सी एक्स्ट्रा यहाँ पे है और यहाँ पे सी प्लस ए है और यहाँ पे सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है? यस सर, समझ। ओके, कैसे भी याद रखो, डजंट मैटर। चलो बोलो, साइन के साथ लेना है क्या? हाँ, साइन साइन सेम है, साइन चेंज ही नहीं हुआ, देखो ना यहाँ पे प्लस है, ए बी प्लस है, सारी साइन सारे सेम है, बस ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू सी प्लस ए इंटू एक्स और सी प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट्स इट, यहाँ से ए और बी सी उठाने हैं विद साइन, विद साइन, क्लियर है? यस सर। ओके चलो, यस सर, आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सी ऑप्शन 14 सी। हाँ बोलो, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, देन द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, बोलो जल्दी, ऑप्शन बी सी 2x स्क्वायर प्लस, तो माइक शुरू है, सुनाई नहीं दे रहा, क्या हुआ, किसी का तो माइक शुरू है, सुनाई नहीं दे रहा, हां माइक ऑफ कर दो ना यार, किसी का जब बोलना रहे तो आप ऑन किया करो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर, ओके ध्यान दो, 2x square plus 3x minus 1 is equal to 0. Option B है सर। अभी देखो, alpha by beta और beta by alpha, तो देखो इसका roots निकलते क्या? हाँ निकलते ना। तिवारी जी माइक बंद कर लो, एको हो रहा है, एको।
रूट्स कैसे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे ना, मतलब फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, तो ट्रेडिशनली करना पड़ेगा इस सपोज़ को, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। हालांकि इसका सट्टा बन सकता है, बट अभी मुझे नहीं पता इसका सट्टा। अब इसको फिर ट्रेडिशनली करना पड़ेगा, शायद ये फैक्टराइज नहीं होता, फैक्टराइज नहीं हो रहा, बराबर ना? चलो तो इसको आप सिर्फ ऐसे ही करना पड़ेगा, सम लिखो सम। ट्रेडिशनली एक ही क्वेश्चन अभी तक मिला 14 में से, ठीक है? आपको क्या करना है, सम निकालना है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सम निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और अपॉन टू अल्फा बीटा। बस सारी वैल्यूज पुट करोगे, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका वन आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, वन। तो यहाँ पे देखो ये वन है, यहाँ पे भी वन है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये यहाँ पे माइनस वन है तो ये रॉन्ग हो गया, और ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अच्छा एक चीज सोच सकते हैं हम, ध्यान दो, यहाँ पे सम पॉजिटिव आ रहा है 13/2, यहाँ पे माइनस 13/2 आ रहा है, तो नन ऑफ दीज में अगर रिस्क ले हम, तो यहाँ पे प्लस माइनस 13/2 है, यहाँ पे प्लस 13/2, और यहाँ पे ध्यान दो दोनों रूट्स कैसे है, ध्यान देना दोनों रूट्स कैसे है, सम आपका नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बराबर ना? ये भी नेगेटिव है, तो आपका सम क्या आना चाहिए, नेगेटिव, सम क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो सम नेगेटिव कौन से ऑप्शन में, बी। सो बी शुड बी द राइट आंसर, अगर नन ऑफ दीज नहीं हो तो, मतलब थोड़ा अगर रिस्क ले तो बी आंसर हो जाएगा, क्लियर है क्या? अरे समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर, यस सर। नहीं समझा, समझा सर। देखो देखो, ए और सी ऑपोजिट साइन के, इसका मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव और सम भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस बी बाई है, तो मतलब अल्फा और बीटा दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, तभी सम नेगेटिव और प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, बराबर, क्लियर है क्या? अरे हो कि नहीं? हाँ सर। तो अल्फा बाई बीटा भी नेगेटिव और बीटा बाई अल्फा भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो दो नेगेटिव का सम भी नेगेटिव, सम नेगेटिव किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में, और प्रोडक्ट तो वैसे ही बना है, तो बी शुड बी द राइट आंसर, मतलब अगर नन ऑफ दीज को इग्नोर करें तो, हालांकि नन ऑफ दीज भी हो सकता है, क्लियर है क्या? समझा मैंने क्या सोचा? हाँ, मतलब मैं ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 बोलो जल्दी से, इसका सट्टा मैं, मुझे पूछना कल की क्लास में, मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्या 15 चलो आगे बढ़ते कर लेना, चलो नेक्स्ट वन बोलो जल्दी से। उदय सर, उदय सर बोलो ना, क्या हुआ सर? ये जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया, ये सॉल्व कराया ना? कौन सा? ये वन अल्फा अपन बीटा अपन अल्फा वाला। हाँ बोलो सर, इसको मैनुअल भी बहुत सिंपल सिंपल वैसे हो सकता है सर। कैसे? बोलो बोलो। ये मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा। हाँ। और अल्फा बीटा निकाल लूंगा, ये फर्स्ट जो इक्वेशन दिया उससे, ठीक है? बराबर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकल गया सर, -3/2 और -1/2, बराबर, ठीक है? और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे एक बार, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा को, और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे सेम जैसे वो करते हैं। जैसे आपको इजी लगे, मैं तो एलिमिनेशन से मैं बी ऑप्शन तक पहुंच जाऊंगा फिर देखने के बाद। चलो ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 16 बोलो, 16 ये बड़ा अच्छा सम है। देखो एक सट्टा इसमें क्या समझो, ध्यान दो, ध्यान दो, अल्फा एंड बीटा, ध्यान दो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा। बताओ कौन अप्रोच कोई बता सकता है मुझे? मेरे पास बड़ा अच्छा मेथड है इसका, एनीवन? एक सट्टा है एक्चुअली, यहाँ पे दो सट्टे अप्लाई करना है, एनीवन कोई बता सकता है सर? हाँ बोलो। हाँ देव,
दे बोलो चलो मैं बता देता हूँ देख के आवाज नहीं आ रही चलो ध्यान दो ध्यान दो 5x square minus x minus 2 इसके roots alpha और beta है तो सबसे पहले मैं 1 by alpha 1 by beta पे पहुंचूंगा तो मैं क्या करूंगा देखो interchange करूंगा ध्यान दो direct लिख रहा हूं मैं पहले मैं 1 by alpha 1 by beta पे पहुंच रहा हूं फिर बाद में 2 से multiply तो मैं क्या करूंगा इसका मेरा directly जो root equation आएगा जिसके roots 1 by alpha 1 by beta है वो आएगा minus 2 times minus 2 को interchange किया minus 2 और 5 को तो minus 2 times x square ध्यान दो x square ठीक है उसके बाद तो ये माइनस एक्स एज इट इज और प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा तो फिर चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रूट तो उससे चेंज होते नहीं है ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू एक्स स्क्वायर ध्यान दो इसको मैं बस लिख रहा हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो ठीक है उसके बाद ध्यान दो उसके बाद मैं क्या करूंगा अभी मैं 1 by alpha 1 by beta तक पहुंच गया इसके रूट्स 1 by alpha 1 by beta है इसके रूट्स क्या है ध्यान दो मैं लिख रहा हूं अल्फा की जगह पे मैं a लिख रहा हूं 1 by alpha और कॉमा 1 by beta इतना क्लियर है क्या उसके बाद ध्यान दो अभी मुझे चाहिए 2 by alpha 2 by beta एक सट्टा है मैंने एक बार और बताया था जब क्वाड्रेटिक में मंजू त्यागी से करा रहा था कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता उल्टा काम करना पड़ता तो इस बार मैं x को किससे रिप्लेस करूंगा बोलो x को रिप्लेस कर जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x को किससे रिप्लेस करूंगा x by 2 से इसको किससे रिप्लेस करूंगा x by 2 से और मेरा आंसर आ जाएगा बोलो कितना आ जाएगा 2x square x की जगह पे x by 2 पुट करो क्या आ जाएगा बोलो 2x square by 4 तो यहां से x square by 2 आया यहां से क्या आया x square by 2 यहां से मेरा x square by 2 आया एंड ये प्लस एज इट इज प्लस x by 2 प्लस क्या बोलो प्लस x by 2 सॉरी x/2 उसके बाद देखो -5 है देखो -5 आ गया मेरा आंसर इज इक्वल टू 0 अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं वो कुछ शायद दिख नहीं रहा होगा जस्ट मैंने ये रहा ठीक है अभी सर हां अभी ठीक है चलो ध्यान दो 2 से मल्टीप्लाई कर सर रिपीट करो ना क्या कुछ नहीं वो 1 by alpha और 1 by beta के बाद रिपीट करना था हाँ मैं आगे रिपीट करता हूँ एक मिनट मुझे आंसर में देखो अब x by 2 है यहाँ पे प्लस x आ गया प्लस x और माइनस 10 डी ऑप्शन इधर है ऑप्शन आया क्या मेरा आंसर हाँ सर डी ऑप्शन x square minus sorry plus x minus 10 is equal this is the right answer अब देखो मैंने क्या क्या किया ये मुझे एक्सप्लेन करने में बस टाइम लग रहा है अदरवाइज बहुत जल्दी आंसर आता है देखो सबसे पहले मैं क्या किया इसके रूट्स जो हैं ध्यान दो इसके जो रूट्स हैं इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा ए एंड बी अल्फा एंड बीटा ठीक है अब मुझे मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि क्या करना है नहीं सॉरी इसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है ना इसी के रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा मैंने ओरिजिनल इक्वेशन लिखा ही नहीं 1 by alpha और 1 by beta, 1 by beta, clear है क्या? देखो, equation ये थी, 5x square minus x minus 2 is equal to 0, बराबर, अभी इसके roots alpha and beta है, मैं पहले 1 by alpha, 1 by beta में पहुंचा, तो मैंने क्या किया, देखो, इस minus 2 को और 5 को interchange कर दिया, तो मेरा ये minus 2x square minus x plus 5 is equal to 0, अब मैं a को generally हम negative नहीं रखते, इस वजह से मैंने minus से multiply कर दिया, तो मेरा ये equation है, इसके roots 1 by alpha, 1 by beta है, अब मैंने एक सट्टा बताया है, ध्यान दो जब आप मल्टीप्लाई करते हो रूट्स में आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए कि आपने k से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली आप उल्टा काम करने का डिवाइड करने का क्या काम करने का डिवाइड ये सट्टा है तो x को मैं x by 2 से अगर रिप्लेस कर दूं इस इक्वेशन में जिसके रूट्स 1 by alpha 1 by beta थे तो मेरी जो इक्वेशन आएगी ना अभी x को x by 2 से रिप्लेस करने के बाद वो उसके रूट्स आएंगे 2 by alpha 2 by beta तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल अभी क्लियर है 2 की जगह दूसरा कोई नंबर होगा तो तो भी अगर 3 होता तो 3 लिखता मैं x by 3 सर मतलब कोई भी n नंबर चलता बिल्कुल बिल्कुल k रहेगा तो k से डिवाइड करने का k से मल्टीप्लाई किया ना तुमने इधर उधर k से डिवाइड करने का समझा क्या सर सिर्फ x के कोएफिशिएंट को ना बिल्कुल बिल्कुल ये एक्चुअली रूट था ना 1 by alpha 1 by beta और उस रूट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एक्चुअली ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है अभी और इसके रूट समझो ये अल्फा बीटा
सब जो 1 बाय ए 1 बाय बी को मैंने कुछ और अल्फा डैश बीटा डैश लिया, अभी एक्चुअली ये 2 अल्फा डैश और 2 बीटा डैश है बराबर ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं इधर डिवाइड करूंगा, तो x की जगह पे x / 2 पुट करोगे तो मेरा ये आंसर आएगा, बस सिंपलीफाई करेंगे आंसर आएगा, तो आंसर विल बी डी। अरे हां कि नहीं सर? हां सर। हां सर। हां क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं? बोलो ना, somebody has to say something, कुछ बोल रहे हैं क्या तुम? किसी को नहीं समझा? समझा सर, समझा। समझा क्या? हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पे और तो फिर हो जाएगा, पर अभी शायद यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है तो शायद रहेगा आगे देखिए। ये क्लियर है क्या सबको? मैं रेज कर रहा हूँ, ध्यान दो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बोलो। 17 तो इसका आंसर डी आ जाएगा राइट? चलो 17 बोलो। 17 बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी है क्या? डी। द रेशियो ऑफ नहीं इज 17 था। हां अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस दिस कर लोगे, बहुत इजी है। प्लीज कर लीजिए सर। हां आगे बढ़ता हूं मैं, इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं। पी स्क्वायर माइनस 2q आएगा शायद, है ना? प्लीज हां सर। चलो जल्दी बोलो। 18 अच्छा ये एक रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अरे ये तो बहुत इजी है भाई, क्या है? बी है, बी 2 3 माइनस बी बाय सी आता है। चलो कर लोगे, बहुत इजी है। 19 बोलो। 19 अच्छा इसी पे एक सट्टा याद आ गया मुझे, मैं बता देता हूँ रेशियो वाला, ध्यान दो। एक सट्टा बताता हूँ, ध्यान दो, याद आ गया तो बता देते हैं, अदरवाइज बच जाएंगे। ध्यान दो सट्टा क्या है, समझो आपके पास कोई इक्वेशन है, इसी का माइक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट सपोज अल्फा बीटा, अल्फा को मैं ए भी लिख रहा हूँ, ए भी नहीं लिखता, क्या लिखूँ मैं बताओ, पी और क्यू लिखता हूँ, पी और क्यू, ठीक है इसके रूट्स हैं। अब अगर रेशियो ऑफ द रूट्स गिवन, क्या गिवन है ध्यान दो, क्या गिवन है? इफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू एम बाई एन, कौन बताएगा क्या रिलेशन होता है? देन क्या रिलेशन होता है, कोई बताएगा? एनीवन? स्क्वायर। बोलो पी प्लस क्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखते रहो ठीक है ना तुम लोग, ये रिलेशन होता है। पर यहाँ पे m और n क्या है? b square upon ac is equal to m plus n whole square upon mn। देखो अगर आपका जो रूट्स है उसका जो रेशियो है p और q सपोज रूट्स है उनका रेशियो गिवन है m by n, तो there is a relation between this ratio and abc, तो b square upon ac is equal to m plus n whole square upon mn, clear है क्या? हाँ सर। हाँ ये याद रखना है आपको, नया सट्टा, पता नहीं मुझे कहीं किसी ने बताया था पहले या किसी ने पूछा रहेगा, तो ये एक है जो mn में भी ना मिले, clear है क्या? बहुत इजी है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 19th बोलो जल्दी से, the product of the roots, get the product of the roots। मैं क्लियर करूँ क्या इसको? पापा प्रतीक भैया 19 तो बोलो। 19 क्या कह रहे हैं आप? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 10। प्रतीक माइक बंद माइनस 2 देन व्हाट इज द माइक बंद कर लो कि बहुत इजी है। नहीं ठीक है सर, इसको बोलो माइक प्रतीक प्रतीक गुम हो गया माइक बंद कर बे। प्रतीक पवार माइक बंद कर। संकेत ने हैंड रेस किया है, बोलो ना संकेत कौन है? संकेत ने हैंड रेस किया,
सर मुझे 14 सम में डाउट था थोड़ा। अच्छा ठीक है ना, बता दो ना, बोलो। देखो ना, हाँ जी, इस वाले में मैंने क्या दिमाग लगाया, देखो हालांकि नन ऑफ दीज है, मैं बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूँ कि मेरा बी आंसर है, बट मैं बी तक पहुंचा, ए और सी को मैं एलिमिनेट कर पाया, ठीक है, वो आप सीख लो। क्या था देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट जो आ रहा है नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आता है जब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अरे हाँ क्लियर, बराबर, प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आएगा, अभी ध्यान दो, प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो मतलब एक रूट पॉजिटिव, तो अल्फा बाय बीटा भी नेगेटिव आएगा, बीटा बाय अल्फा भी नेगेटिव आएगा, क्लियर है? सर अब अल्फा बाय बीटा भी नेगेटिव और बीटा बाय अल्फा भी नेगेटिव, नेगेटिव प्लस और नेगेटिव को ऐड करोगे नेगेटिव मिलेगा, सम नेगेटिव आना चाहिए, और प्रोडक्ट तो वैसे ही वन आ रहा है, तो प्रोडक्ट वन और सम नेगेटिव बी ऑप्शन में आ रहा है। हां समझे, प्रोडक्ट वन सी बाय 2/2 और सम जो आपका नेगेटिव। हां सर समझा, तो मैं बी तक पहुंचा, ए और सी रॉन्ग हो गया, बट डी के लिए मैं अभी मतलब श्योर नहीं हूँ कि डी भी हो सकता है, पर मैंने ए और सी अलग किया था ऐसे, अदरवाइज वो जैसे तिवारी जी बता रहे थे वैसे कर सकते, ठीक है, चलो ठीक है। आगे बढ़ते कहाँ थे हम, ये तो बहुत इजी है यार, देखो इसको 10 है ना इधर लेके आएंगे, के माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, और के की वैल्यू शायद 8 आ जाएगी या माइनस 8, नहीं 8 आ जाएगा, क्लियर है क्या? मैंने बस मुझे याद आ गया कि रेशियो पे एक सट्टा है, आएगा आएगा क्वेश्चन शायद, तो आप देख लेना आशुतोष, जिसके लिए बिल्कुल नहीं है तो बहुत अच्छी बात, पढ़ो आगे मैं। यस सर, हां सर आगे बढ़ते हैं, अब ये तो बहुत इजी है, बोलो 19, ठीक है, वेल आई 20th बोलो जल्दी से, 19th को किसी में डाउट है, किसी को डाउट है 19th में, 20th बोलो, 20th 28, क्वेश्चन नंबर 20, ए ऑप्शन, बहुत इजी है, कर लोगे, क्या बोला उन्होंने, इफ वन रूट 4 है देन अदर रूट क्या होगा, जल्दी बोलो, 4 है तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते तुम, x पे 4 पुट करोगे, k आ जाएगा तो आपका दूसरा रूट भी आ जाएगा, ठीक है, चलो, या फिर ऑप्शन से भी जा सकते, 8 4 है सब जो मैंने 2 लिया, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 8k की वैल्यू 8k अपॉन 3 इज इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 3, k अगर 3 है तो 6 3 से कितना हो गया 18, तो 18 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 3 6, तो दोनों का जो एडिशन है वो 6 आ रहा, बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर, तो ऐसे भी कर सकते, किस्मत अच्छी थी ए मेरा आंसर हो गया, मतलब ए ही था तो टाइम बच गया, क्लियर है? यस सर। ओके चलो 21st then क्या है a b c rational, तो बोलो क्या होगा, d होगा, d ऑप्शन है, कंजुगेट सर बिल्कुल सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो 23rd, आई नो यू गिव 22nd ऑप्शन, एक बार एक्सप्लेन करो ना d ऑप्शन, अरे सॉरी सर, मैं मैथ किसी और को मैसेज करना था, क्या है, देखो ये अल्फा और बीटा इरेशनल, अल्फा और बीटा क्या है, इरेशनल, और अल्फा बीटा अगर इरेशनल है तो हमेशा याद रखो या तो इरेशनल हो या फिर नॉट रियल हो, इमेजिनरी हो, तो हमेशा वो कॉन्जुगेट फॉर्म में रहते, मतलब अगर क्या क्या आंसर डी फॉर डेली, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा द कंजुगेट सर्ड्स, कंजुगेट का मतलब होता है कि
a प्लस और a माइनस, a प्लस रूट बी, a प्लस a माइनस रूट बी, अगर नॉट रियल रहेंगे तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, ले रहे? यस सर। नंबर्स सर, नंबर्स लेके बताओ सर एक बार। क्या क्या नंबर्स लेके बताओ सर एक बार उसको। अच्छा नंबर्स लेके, देखो देखो बहुत इजी, देखो जैसे मतलब एक रूट अगर 1 प्लस रूट टू है, रूट टू है तो दूसरा रूट क्या होगा, प्लस के लिए इक्वल टू लिखो। अब देखो अगला रूट क्या होगा, अगला रूट 1 माइनस रूट टू, ये इरेशनल, ये वाला होगा इरेशनल वाला होगा, ये इरेशनल होगा, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल, अगर एक 1 प्लस 1 प्लस 3 आई है, ठीक है, तो अगला होगा 1 माइनस 3 आई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता है फेमस भी है, अभी पता नहीं यहाँ पे ना कुछ लिखा क्यों नहीं है, अभी सीईटी में कहीं ना कहीं आता रहता है। बी ऑप्शन है सर, बहुत बी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, बी बी होगा बहुत सारे लोगों को, तो जो पहली बार देख रहे हो उनके लिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो क्या बोला इन्होंने, x का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट मतलब सम की बात कर रहा, सम में प्रॉब्लम है एक्चुअली, है ना, सम में प्रॉब्लम, मतलब सम ना गलती से 17 ले लिया 13 की जगह, क्या ले लिया 17 ले लिया 13 की जगह से, तो रॉन्ग जो रूट्स आए वो माइनस टू माइनस 15, लेकिन प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट जो रॉन्ग रूट से आएगा वो राइट रूट से भी आएगा, तो प्रोडक्ट शुड बी 30, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 30, लेकिन सर अटेंडेंस प्रोडक्ट 30 और राइट सम आपका क्या आएगा, और बोलो माइनस 30, तो आंसर डी, खत्म हो गया क्वेश्चन, अरे वो कि नहीं सर, अटेंडेंस ले लो सर वापस एक बार, एक बार वापस देखो, हाँ अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, दो मिनट देखो देखो इस क्वेश्चन के बाद ले लूंगा मैं, तब तक दो तीन क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, कुछ बोलना मत, ठीक है, ध्यान दो, सम में गड़बड़ हुई है, सम x का कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है बोलो, x का कोएफिशिएंट मतलब सम से पता चलता है ना, और x स्क्वायर यहां पे a तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली p में गड़बड़ हुई है, p मतलब सम के लिए है, बराबर, तो सम गलती से 13 की जगह पे मतलब -13 की जगह पे -17 ले लिया, सम की बात करो, ठीक है, 13 की जगह पे 17 ले लिया, बराबर, तो ओरिजिनल जो सम होगा वो क्या होगा -13, एक्चुअली ये कोएफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहे हैं, आशुतोष समझ आ रहा है क्या आपको, तो जो राइट वाला सम होगा वो -13, लेकिन प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, क्यू में कोई गड़बड़ नहीं है, तो रॉन्ग रूट्स जो आए ना, तो रॉन्ग रूट्स आए -2 -15, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो राइट सम्स का भी, मतलब जो सही वाले सम थे, सही वाले जो रूट्स थे उनका जो प्रोडक्ट आएगा इनके प्रोडक्ट के इक्वली आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में गड़बड़ ही नहीं हुई, तो -2 इंटू -15 30 आएगा, क्या आएगा बोलो, ये कौन है भाई, तो -2 इनटू -15 कितना आएगा बोलो, 30, कितना आएगा 30, कौन है रे सर, एनोटेशन का नाम बोल ली तेरे, ए सब एनोटेशन ऑन कर दे सर, कर रहा हूं, समझ में आता है सर, वो लैपटॉप पे आएगा क्या सर, एक ऑप्शन होता है जिससे हम एनोटेशन कौन लिख रहा है ना वो पता चलता है, ये हां सर वो शो नेम्स ऑफ एनोटेटर से आता है, हां मैंने ऑन किया अभी सर, भैया को बताओ सब कुछ, कौन है भैया को बताओ सर, स्क्रीनशॉट निकल के भैया को बताओ, हां मैंने स्टॉप नहीं किया, सुबह भी आया था सुबह, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, सर तीन तीन अनी स्कूटी है, क्या क्या तीन तीन अनी स्कूटी है, राइट जो प्रोडक्ट आएगा राइट वाला मतलब सही वाला प्रोडक्ट वो भी 30 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में गड़बड़ी नहीं हुई, सिर्फ सम में गड़बड़ हुई, और सम आपका 13 मतलब -13 आना चाहिए, तो सम -13 और प्रोडक्ट 30, दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है क्या, यस सर, यस सर, यस सर, कुछ करने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, तुम लोग तब तक 24 25 ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन है सॉल्व करो।
कोई कुछ बोलेगा नहीं। 24 में चार रूट आते हैं और ए कौन है मत बोलो मत बोलो। ठीक है सर, ठीक है, मत बोलो मत बोलो, अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। सॉरी तन्मय। कोई कुछ लिखना मत प्लीज, कुछ मत लिखो। क्या बोला, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन वाज टेकन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13। तो कोएफिशिएंट क्या होता है बोलो, सम से सम के लिए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बराबर माइनस बी बाय ए, बराबर। तो यहां पे 17 ले लिया गया गलती से 13 की जगह पे, तो रॉन्ग सम जो आया वो माइनस 17 आया, देखो लॉन्ग रूट्स के, और राइट जो सम आएगा वो माइनस 13। पहले तो आप ये देखने का कि माइनस 13 राइट सम किधर है, तो डी ऑप्शन में ही है, मेरा तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अच्छा हुआ तुमने पूछा, देखो तिवारी जी, मैंने सम पे बात करी, उन्होंने बोला सम रॉन्ग लिया, माइनस 17 लिया इन प्लेस ऑफ माइनस 13, तो राइट वाला सम माइनस 13, और माइनस 13 सम जो है रूट्स का वो सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है, मेरा आंसर हो गया डी, खत्म। प्रोडक्ट चेक भी करने की जरूरत नहीं, क्लियर है क्या तिवारी जी? हाँ सर क्लियर, बस ठीक है। चलो 24th और 25th जल्दी बोलो आंसर। 24th का क्या आएगा? डी। डी 4th का डी आएगा, 4 ऑफ 4 रूट्स, क्यों भाई क्यों ऐसा? डेस्मोस मॉड दिया है, डेस्मोस किधर यूज कर रहे हो इधर? तो कितने सोल्यूशन आएगी? जीरो नहीं, सेम ही आएंगे, मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, चलो ध्यान दो सब लोग इधर, ये क्वेश्चन बहुत परेशान भी करते बहुत सारे लोगों को, कंफ्यूजन रखने का नहीं, ध्यान दो। सबसे पहले तो एक चीज सीखो आप कि कैसे लिखो यार, रूट इसमें मेरे कीबोर्ड में है ही नहीं, रूट ऐसे लिखता हूँ सर, एक साइन लिख देना। क्या हुआ सर? मैं पास हो गया तो आपको एकदम मस्त लैपटॉप देता हूँ। नहीं मेरे पास है ये लैपटॉप, देखो ध्यान दो, अच्छा इसको मॉड समझना ठीक है, क्योंकि मैं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, आई आई होगा ना, आई कैपिटल आई, हाँ उसको लगा देता हूँ, सही है, या फिर एल को लगा देता हूँ, है ना, ये सही है सर, एल को लगा दो एल, हाँ सही है, हाँ सर, ये देखो ध्यान दो, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स होता है, हमेशा याद रखो पहली चीज को ये, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ध्यान दो, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, ना कि एक्स होता है ना, हमेशा याद रखो। उसके बाद आपको फंसा सकता है इसके बहुत सारे बहुत तरीके से, याद रखना हमेशा, क्यों, उसके पीछे रीजन भी है कि देखो ना, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है बोलो? फोर,
तो तुम अगर x की जगह पे माइनस टू ले लोगे और यहाँ पे मॉड हटाओगे, बोलोगे नहीं सर मैं तो x लिखूंगा, रूट और x का कैंसिल आउट हो गया, x आ गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर नेगेटिव आपने x लिया तो माइनस टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बोलो फोर, रूट फोर आपका माइनस टू आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्लियर है। इसीलिए बहुत सारे लोग प्लस माइनस x भी लिखते हैं, तो प्लस माइनस x नहीं होता, क्या होता है, मॉड होता है। तो हमेशा याद रखो मॉड क्यों है ऐसा, क्योंकि रूट नेवर रिटर्न्स, क्या बोलो जल्दी से, रूट नेवर रिटर्न्स नेगेटिव वैल्यूज। चलो ध्यान दो, अभी मैं इस पे आता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर तुमने एक्स स्क्वायर का के बाहर मॉड लगाया, एक्स स्क्वायर के बाहर मॉड लगाया तो भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ऑलरेडी वो पॉजिटिव, उसमें मॉड लगा के क्या करोगे आप, है कि नहीं, बिल्कुल सेम ही बात है। दूसरी चीज, अगर तुमने मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा है, क्या क्या रूट से आ रही आगे क्या, फिर तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट ऑल दीज थिंग्स आर सेम, तो बिल्कुल इन तीनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हो, क्लियर है सबको, x square is equal to mod x square is equal to mod x whole square, so all are same, तो कुछ चेंज नहीं होगा कभी, यहाँ पे देखो यहाँ पे x square लिखा है, mod x square लिखा है, या फिर x square का mod लिखा हो, तब सेम ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है क्या, दोनों चीजें क्लियर है सबको, जीरो कब आएगा, क्या क्या जीरो कब आएगा इसमें, मतलब इसके तो पहले आपने ये, किसी ने ये पूछा था ना, इसलिए वो बता दिया मैंने, ध्यान दो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सब सेम ही है, कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अभी ध्यान दो, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर या फिर मॉड एक्स स्क्वायर लिखूं या फिर एक्स मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही बात, ठीक है, फिर प्लस फाइव मॉड एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके नंबर ऑफ रूट्स बोलो, इसके नंबर ऑफ रूट्स बोलो, जीरो जीरो जीरो। देखो अब उसकी वजह है, देखो मैं ट्रेडिशनली नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बताओ, दिस विल बी पॉजिटिव, या फिर जीरो भी हो सकता है ना, ये भी पॉजिटिव हो चुके, तुम लोग बोल भी नहीं रहे। देखो ये प्लस सिक्स है, ये फाइव, ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो तभी हो सकता है जब, या फिर नॉन नेगेटिव बोलना चाहिए, जीरो हो सकते हैं जब तीनों भी जीरो, एक ही पॉसिबिलिटी, तीनों भी क्या हो, आवाज नहीं आ रहा है, सर आवाज ब्रेक हो रहा है। चलो ध्यान दो, अभी क्लियर है, एक मिनट, इंटरनेट तो है बराबर ना, साढ़े आठ तक लैपटॉप को भी पता था शायद। चलो ध्यान दो, सर क्या क्या माइनस फाइव अगर आया तो चार, हाँ मैं बता रहा हूँ ध्यान दो। तो इसमें जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, जीरो, पहले एक वन बाय वन समझो, तो नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे इसमें जीरो होंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इन तीनों का सम जीरो आ जाए, क्योंकि उसके लिए इन दोनों का सम माइनस सिक्स आना चाहिए, और माइनस सिक्स कभी नहीं आ सकता इन दोनों का सम, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, तो आंसर विल बी जीरो नंबर ऑफ रूट्स, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, जीरो, फिर नंबर ऑफ रूट्स क्या है, जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, वापस आ जाते हैं, अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं सारे एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, ठीक है, अभी देखो फिर से मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, दिस बार एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड एक्स, ये समझ लो आप ट्रेडिशनल मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, आप ये तीनों चीजें समझ लोगे तो आपको आ जाएगा आंसर, तो इज इक्वल टू जीरो, क्या बोलो जीरो। अभी ध्यान दो इसके रूट्स कितने आएंगे, इसके रूट्स कितने आएंगे, चार, दो। देखो सबसे पहले क्या आएगा ना, मॉड एक्स को टी कंसीडर करो, मॉड एक्स को टी कंसीडर करो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स फाइव टी, मतलब टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स के रूट्स कितने आएंगे, दो आएंगे, कितने आएंगे, दो अलग अलग रूट हैं, दो अलग अलग रूट आएंगे। अब दो जब अलग अलग रूट आ रहे हैं, हेलो क्लियर है सबको, दो जब अलग अलग रूट आ रहे हैं, मॉड को जब सॉल्व करोगे ना, टी के दो रूट, एक्स के कितने रूट, चार,
सर उदय सर हाँ सर जो ना एनोटेशन कर रहा है जरा उसको पकड़ो ना बॉयज हाँ भैया कोई तो करता था वो अरे तिवारी तू कुछ करना यार पकड़ना उसको कौन है कौन बदतमीजी कर रहा है जरा ढूंढ ना उसको कौन है उदय सर वो शो एनोटेटर करके देखो सर मैंने शो किया पर उसमें दिखा नहीं कोई उसको ब्लॉक करो सर कौन है हाँ सर सर जैसे लेक्चर चालू होते ना तब से वो शो द नेम्स ऑफ एनोटेटर्स का कुछ हमें हम लोग किसी का कुछ बिगाड़ रहे क्या गपचुप से अपना पढ़ के जाते वो पढ़ना है तो वो एक कैरी मिनाटी आता वो ऐसा कुछ गंदी चीजें लिखता नहीं वो अपना पढ़ता हाई बाय करके जाता मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे सर कैरी मिनाटी आपके लेक्चर में कुछ नहीं करता है होना चाहिए ना सर आपके लेक्चर में कुछ नहीं करता आपके लेक्चर में कुछ नहीं करता रूपल मैम के लेक्चर में कुछ नहीं करता रूपल मैम के लेक्चर में बहुत करता है कंटिन्यू करो हेलो हेलो मैम हां पर ध्यान दो उसको रिमूव करके रूम लॉक कर दो हां ध्यान दो वो दिखता किधर है यार मतलब अगर मैंने शो अनोटेट किया भी तो दिखा नहीं उसके बाद मतलब उसने किया नहीं शायद कुछ मतलब स्क्रीन पर ही दिखता है सर सर नहीं किया उसके बाद शायद हां नहीं किया चलो ठीक है सर हां आप कब तक लेने वाले हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी क्या भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम जी आपको लेना लेक्चर हां अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लूंगा जी सर इजाजत का क्या है ठीक है सर आप कंटिन्यू करो मैं नहीं नहीं इजाजत का ये है कि अगर आपका सिलेबस पीछे रह रहा है 30 डेज के हिसाब से तो आप कंटिन्यू करो अच्छा अच्छा और बाकी तो भैया डिसाइड करेंगे कंटिन्यू करना है नहीं करना मेरी राय तो यही है ठीक है सर आप भैया को एक बार पूछ लो क्या करना है ठीक है जब तक भैया मैं तब आप कंटिन्यू करो जब भैया कहेंगे तो मैं बोलता हूं फिर बीच में ठीक है सर ठीक है ध्यान दो सब लोग इधर x square minus 5 mod x plus 6 is equal to 0 तो तुम्हें पता है बहुत सिंपल है x square minus 5 x plus 6 के दो रूट आते हैं लेकिन यहां पे मॉड है दो अलग-अलग रूट आते हैं डिस्टिंक्ट तो मॉड की वजह से आपके चार रूट हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे कि एक आपका मॉड x की वैल्यू 2 आएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 फिर मॉड एक्स की वैल्यू 3 आएगी तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3 तो ये तो चार रूट वाला एक एग्जांपल हो गया क्या करने का मॉड एक्स मतलब टी समझने का इसको नॉर्मल इक्वेशन समझने का देखने का इससे कितने रूट आ रहे हैं दो डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट आ रहे हैं डी से वैसे ही पता चल जाता है डी स्क्वायर माइनस 4 से डी आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब दो अलग अलग रूट आ रहे हैं और दोनों पॉजिटिव सट्टे से पता चल रहा है कि ए और सी पॉजिटिव है और मैं कुछ नहीं कर रहा देखो पेन पेपर चला भी नहीं रहा फिर भी मुझे सब पता चल रहा है समझ आ रहा है क्या तुम लोग को मैंने इसको टी कंसीडर करके सोचा और यहाँ पे देखा ए और सी पॉजिटिव है बी नेगेटिव है मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे लेकिन मॉड वाले के दो अलग अलग तो एक्स के कितने 4 क्लियर है किसी को डाउट है इसमें सर हाँ और कौन से कंडीशन रहते हैं मॉड के लिए और भी बता रहा हूँ ना मैं बता रहा हूँ मैंने खत्म नहीं हुआ अभी तो ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया क्लियर है अब देखो नेक्स्ट वन फिर से लिख रहा हूँ मैं कलर चेंज कर दिया मैंने ब्लैक लिया अभी देखो दूसरा इक्वेशन सपोज एक्स स्क्वायर फिर से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सॉरी यहाँ पे मॉड एक्स लिखना चाहिए था मुझे ये हो गया आपका मॉड एक्स अब बताओ कितने आंसर आएंगे पहले तो इसके रूट्स देखने का पहले तो डी चेक करो जल्दी से डी तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एक रूट पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा दो रूट आएंगे बोल रहा है बहुत मार खाओगे दो रूट आएंगे दो आएंगे देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं यहां समझो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 पहले सोचने का देखने का देखो यहां पे और डी पहले चेक करने का पहले तो डी चेक करने का हमेशा तो डी आपका पॉजिटिव आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है दो अलग अलग रूट आएंगे लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव भी चेक करने का यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव आ रहे थे इस वाले में दोनों पॉजिटिव आ रहे थे तो मॉड एक्स की वैल्यू निकाल रहे एक्चुअली तो मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ से आप देखो ए और सी का साइन डिफरेंट है जब ए और सी का साइन डिफरेंट होता है तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव तो मॉड एक्स के रूट एक्चुअली निकाल रहे थे तो मॉड एक्स से एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव और नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देंगे पॉजिटिव वाले से दो रूट आ जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2 कितना आंसर आ जाएगा बोलो 2 तो 2 नंबर ऑफ रूट्स विल बी देयर यहाँ पे देखो 0 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है मतलब सर एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0 आएगा बिल्कुल समझा क्या
मैं रूट्स निकाल के दिया सर भी मेरा आंसर फिर से फिर क्या हुआ फिर से एक बार रिपीट करो नहीं मैं वो अब इंस्टॉलमेंट में पे करो लेकिन कर लो फिर से ध्यान दो x square minus mod x minus 2 नहीं होता तो मैंने mod x के रूट्स एक्चुअली निकालने स्टार्ट किए तो देखो कि यहां पे लास्ट फिगर 35000 बताया मैंने फिर यहां पे देखो c है और यहां पे a नहीं, c आपका नेगेटिव है हम हमारे जेब से थोड़ी देंगे पैसे c अगर नेगेटिव और a पॉजिटिव मतलब क्या होगा प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है नेगेटिव प्रोडक्ट अगर नेगेटिव तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव लेकिन रूट्स में किसके निकाल रहा बोलो mod x के तो mod x नेगेटिव तो नहीं आ सकता अरे यहां के नहीं तो पॉजिटिव आएगा mod x एक आपका रूट मिलेगा जो पॉजिटिव होगा mod x = समथिंग a समझो a अब mod x जब सॉल्व होता है तो प्लस माइनस आता है तो यहां से दो रूट्स मिलेंगे नेगेटिव वाला हमने डिस्कार्ड किया हालांकि डिस्टिंक्ट दो रूट्स मिले थे बट एक नेगेटिव मिला था और mod x कैन नॉट बी नेगेटिव दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कार्डेड दैट नेगेटिव रूट तो mod x विल बी वन पॉजिटिव रूट एंड देन x = प्लस माइनस a तो देयर विल बी टू रूट्स ओनली समझा क्या क्या बताया आपने 24 में मैंने बताया कि यहाँ पे अगर mod x को मैं ऐसे समझता हूँ mod x के में ये इक्वेशन है तो mod x का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको माइनस 3 mod x प्लस 2 तो mod x के मेरे दो अलग अलग रूट आ रहे हैं हाँ अगर समझो यहाँ माइनस है तो आप बोल रहे कि आपके चार रूट आएंगे बराबर ना बराबर सर बराबर और प्लस रहेगा तो कितने रूट आएंगे सर जीरो कितने लोगों को समझ में आया हो पहली बार सर अगर सारे पॉजिटिव रहेंगे और ये सट्टा भी है ना देखो यहाँ पे ऐसा भी सट्टा लगा सकते ना सर कि ए बी सी अगर सेम साइन के तो दोनों रूट नेगेटिव और रूट किसके निकाल रहे हैं सर हम यहाँ पे मॉड एक्स के तो मॉड एक्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो जीरो रूट्स हाँ वेरी गुड सर सर कैरी मिनट तब मैं तेरे नाम से मॉनिटर को तंग मत करो तन्मय तक तेरे को कमेंट मार रहा हूँ हेलो मारने दो मारने दो सर जो भी है जरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार टाइम पास के लिए अच्छा है सर सर वो हां सर उधर से 23rd वाले बताओ 23rd वाला हां सर 23rd वाला ये 23rd वाला सम बोलो बच्चों को उधर सर ये मार्केट वाला सम है लिखो मार्केट ऐसा वाला सम आपको बहुत मिलेगा और इंशाल्लाह ऐसा वाला सब एग्जाम में आएगा हां सर बाद में बोलना नहीं मैंने नहीं बोला बोलो सर 23rd सम के बारे में बोलो 23rd में देखो क्या है मैंने बताया कि x का कोएफिशिएंट में गड़बड़ हुई है तो x का कोएफिशिएंट गलती से 17 ले लिया इन प्लेस ऑफ 13 एक्चुअली 13 राइट था सम आपका मतलब जो कोएफिशिएंट 13 आपका राइट वाला था है ना तो राइट वाला अगर कोएफिशिएंट 13 राइट था तो सम क्या आएगा -13 क्योंकि x के कोएफिशिएंट का अगर आप नेगेटिव माइनस साइन लगाते हो तब जाके सम ऑफ द रूट्स आता है तो जो आपका राइट वाले सम है उनका सम आना चाहिए -13 और एक ही ऑप्शन से -13 आपका सम आ रहा है तो दिस इज द राइट आंसर सही है सर मिस्टर आर्टिस्ट कोई तो आया है आ जाना तो सर उधर सर और क्या सट्टा बताया आपने फिर सर दूसरा इक्वेशन मैंने लिया ऐसा ही यहाँ पे x स्क्वायर जिसके दो रूट भी आते सर अगर x square minus mod x minus 2 is equal to 0 minus 2 का splitting किया तो हाँ तो सर ये minus जो mod x में जो equation है उसके एक root positive और एक root negative आएगा क्योंकि यहाँ पे minus 2 है दो root आएगा दो root आएगा तो एक positive और एक negative तो minus सर अमर अकबर एंथोनी बोलो ना सर अमर अकबर एंथोनी देखो आपने पहला वाला plus लिया तो उसका एक भी root नहीं है माइनस लिया तो चार रूट है बराबर ना और ये दोनों माइनस दोनों माइनस लिया तो सर दो ही रूट है बराबर सर ये एबीसी के कौन से भी वैल्यू के लिए प्रूव है क्या क्या एबीसी के कौन से भी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होता है क्या सर कौन सा नहीं आपको ये चेक करना पड़ेगा ना नहीं आपको चेक करना पड़ेगा ओके क्लियर है हां सर क्लियर है हां सर इसकी फोर कंडीशन बताओ ना इसकी इधर अगर बी प्लस हुआ सी माइनस हुआ तो तो बी प्लस हुआ सी माइनस ठीक है एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ध्यान दो देखो अगर मान लो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर
आप क्या बोल रहे हैं, बी माइनस और सी प्लस तो ले चुका हूँ ना ऑलरेडी मैं, देखो ना ले चुका हूँ। नहीं सर, बी प्लस और सी माइनस। बी प्लस और सी माइनस, अच्छा मतलब सम भी पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव और सम पॉजिटिव और प्रोडक्ट नेगेटिव। हाँ तो उस केस में भी दो ही रूट आएंगे, तो ध्यान दो मैं ऐसे कर लेता सर, रियल विद सम जीरो आएंगे। हाँ दो रियल आएंगे और एक सम जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स ले लो और माइनस टू ले लो, ऐसा ले लो तो सेम ही आ जाएगा माइनस टू। और ये नेगेटिव हुआ तो रुको ना ले लेते, उसको भी ले लेते। अभी देखो इसको कैसे सोचेंगे, ध्यान दो इसको कैसे सोचेंगे। अभी फिर से यहाँ पे ये प्लस और माइनस दिख रहा है क्या? सो मॉड एक्स, एक मॉड एक्स के की वैल्यूज ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आने वाले, क्योंकि ये अगेन सी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, दिख रहा है क्या? सो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो एक रूट अगर पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड एक्स की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, पॉजिटिव वाले से दो आंसर आ जाएंगे, तो इसका भी आंसर टू। अरे हाँ कि नहीं? यस सर। और जो लोग बोल रहे हैं कि सर अगर आप ऐसा एक इक्वेशन लो जो एक्स नेगेटिव हो, एक ही केस बनता है, तो मैं यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा कौन सा वाला बोलो? ये बोल रहे हैं ना एक्स नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, तो ये सेकेंड वाला आ जाएगा, सॉरी थर्ड वाला, ये चांडाल चौकड़ी बन गया। तो मैं लिख रहा हूँ एक इक्वेशन, आपको लगेगा ये अलग है बट है वो सेम ही। मैंने इसको माइनस ले लिया और प्लस मॉड एक्स लिया, प्लस मॉड एक्स सेम ही आ जाएगा, प्लस मॉड एक्स और प्लस टू इज इक्वल टू, लॉट ऑफ मैथ्स देखो ना, वी डोंट हैव फिजिक्स। मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? अरे हाँ कि नहीं? और ये माइनस अलग नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे वो वापस से ऐसे ही आ जाएगा। तो क्लियर है क्या? ये चांडाल चौकड़ी बन गया, अमर अकबर एंथनी से चांडाल चौकड़ी बन गया। क्या सर माइनस वाला? मैंने नहीं सुना सर, माइनस वाला क्या सर? आपको साइन चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ तो सर ये वापस से ये थर्ड वाला ही बन जाएगा ना सर। हाँ तो वो जुगलबंदी होगा ना सर, ये इस सब में और इस सब में क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो दो रूट आएगा ना आंसर आपका, दो रूट आएगा ना, दो ही आएगा सर। हाँ दो ही आएगा। देखो पहले वाले अमर में जीरो रूट है, अकबर में चार रूट है और एंथनी में दो रूट है, बराबर है ना? हाँ सर। 042 यस सर। कितने लोगों को समझ में आया? पहली बार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में? हम क्या करते हैं, बेसिक पे ध्यान नहीं देते, हम लोग अपने आप को शाना समझते हैं, नहीं हमारा हो गया सब, तो फिर वो क्या बाकी का रह जाता। सर इसका सट्टा बताओ ना सर इनको, ये 13th वाला फेवरेट सट, आपने बताया होगा लेकिन फिर भी बता रहा, 13 तो बताया ना आपने। हाँ सर बताया, डायरेक्टली क्या आंसर है? कितने लोग समझा सर का सट्टा? पता था सर, मालूम था, क्या करने का हाँ। श्रीराम तेरे को एक टॉपिक दिया है बात करने है, डोलस खेचे तुमको भी एक हिस्ट्री का टॉपिक दिया है, तन्मय कुलकर्णी कल के बाद परसों तेरा टॉपिक है तन्मय। हाँ बाकी लोग ने सदफ मैम से कांटेक्ट कर, तन्मय से नंबर लो और उनका डेट्स पूछ लो और टॉपिक भी पूछ लो सबको पीपीटी देना है। तन्मय तेरा है परसों के दिन क्या? हाँ भैया रेडी है, आपको भेज देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ये कितने लोगों को मालूम है इसका सट्टा? सर ने कैसे बताया? कौन सा सर? 13 सर, वैल्यू पुट करने का। सर ऐसे बताओ, अपने वैल्यू पुट करने का बताया। कौन सा सर? 13 13 नहीं सर, सॉरी सर, सट्टा बताया ना मैंने, सी ऑप्शन। आपने क्या बताया सर उदय सर? सट्टा सट्टा सर डायरेक्टली याद रखने का सर, अल्फा 1+1 बीटा और बीटा 1+1 अल्फा है। हाँ। सर सी और ए में खेलने का, सर ए
बच्चे को याद कैसे निकालने का? पहला और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन और पहला और लास्ट का एडिशन का स्क्वायर, आप समझे क्या? क्योंकि अगर ए और बी सी के बदले पी क्यू पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स और आर भी हो सकता था ना, बराबर सर, आप समझे क्या मैं क्या बताया? हाँ सर। हाँ तो अंडरलाइन करो, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन और ए प्लस सी का एडिशन, कौन है एडिशन, और इसमें क्या सट्टा है सर? ये वाला 21 में, 21 में, हाँ बोलो सुना। 21 तो सत्ता है ना डायरेक्टली ए और इसमें सर आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है सर, आवाज कपट है सर, नॉट क्लियर, आवाज नहीं आ रहा सर। हु इज दिस मिस्टर आर्टिस्ट? सर वो कैरेमिनाटी ने रीनेम कर दिया, मतलब लंबे लंबे चैट कर रहे हैं। उसका भाई है सर, बिग ब्रदर इसका भाई है, कैरेमिनाटी का भाई है। चलो ठीक आगे बढ़ते, इसमें किसी को डाउट है क्या? 21 तो वाला सुनाई नहीं दिया था, क्या बोले? आ सकता है ना, ऑलरेडी बताया ना मैंने, देखो ना द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 1/α 1/β, तो सी और ए ऑप्शन आएगा ना। इसमें कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछ रहा था, ये तो चांडाल चौकड़ी जैसा बन गया, बराबर ना? और ये प्लीज, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है उदय सर, उदय सर पहले पहले और दूसरी, और उसके बाद ये चार चीजें, बाकी ये तो सही है, क्या बोलो ना? आइए जो चांडाल है ना सर, हाँ आप लिख करके ग्रुप में, डाउट ग्रुप में डाल दीजिएगा ना एक पेज पर, उसे हम लिख लेंगे देख करके थोड़ा। ठीक है ठीक है, श्योर श्योर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं फोटो ही निकाल दिख रहा है मेरे को, कुछ नहीं दिख रहा आप लिख रहे हैं तो, मैं कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, नहीं दिख रहा है आपका लिखा हुआ। अरे ऐसे क्या कर रहा है, चलो ठीक है आगे बढ़ते, आप कंटिन्यू रखिए, चलो ठीक है आगे बढ़ते, मैं तो उसमें लिख रहा हूं यार, अभी हैंडराइटिंग भी नहीं है मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट है क्या मॉड वाले में? कोई कुछ पूछ रहा था, अभी बोल दो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे इसमें मैंने एक केस ऐसे कंसीडर किया, किसी ने बोला सर अगर मैं ए को नेगेटिव ले लूं बाकी बी सी को पॉजिटिव ले लूं तो क्या होगा, कितने रूट्स हैं? मैं बोला भैया अगर ए को नेगेटिव और बी और सी को पॉजिटिव लोगे तो एक्चुअली वो ये अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना तो मेरा ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव और सी नेगेटिव, तो एक्चुअली ये कौन सा वाला, थर्ड वाला केस बन जाता है, तो एक्चुअली सेम ही है थर्ड वाला, थर्ड वाले के जैसा ही है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने से रूट्स तो चेंज होते नहीं, तो ये सेम ही, हालांकि ऐसे भी आ सकता है, दो ही आएंगे ना, हाँ दो ही आएंगे ना, दो ही आएंगे, दोनों के दो ही सर, हाँ बोलो ना, हाँ ठीक है, दो ही आएंगे, मैंने लिखा नहीं, सॉरी मैं लिखा नहीं, बट वो दो ही आएंगे, इसलिए मैंने लिखा कि वो सेम ही था, मैं लिख देता हूँ, समझा सर, उदय सर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर, हाँ मेरा आ रहा ना, अभी आ रहा, मैंने म्यूट किया था, वालेकुम सर, आपका आ रहा है भैया, उदय सर का, उदय सर का क्या हुआ, उदय सर गए क्या? नहीं है सर, कहाँ है उदय सर का? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया कुछ, अच्छा स्क्रॉल ये देखो ना इसका क्या सट्टा है, ये मेरा फेवरेट सम है 26 सम,
उसका सट्टा मालूम है? छब्बीस सब में क्या सट्टा मालूम है? नहीं पता भैया, नहीं भैया, नहीं सर, आपका सम ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है और प्रोडक्ट फोर अल्फा बीटा। हाँ वेरी गुड, तो अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या रहता? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ना, राइट? हाँ सर। तो जिधर भी पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर माइनस टू पी क्यू दिखेगा वो आंसर जरा। समझ में आ गया सर? उदय सर है क्या? उदय सर है? एक है। नहीं, बाकी के ऑप्शन सर है पर समझा भाई सर, बी भी है। और इसका क्या रहा? उदय सर थोड़ा स्क्रॉल करो ना ऊपर, सर आ जाओ। उदय सर भाग गए, मतलब उनका कोई नेटवर्क इश्यू हो गया। पूछो उदय सर को, पूछो पहला फोन ला के, सर को पूछो ना क्या। ये 26 का जरा ऑप्शन बता सकते क्या? स्क्रॉल करते थे ऊपर, किसका स्क्रीन है सर? उदय सर का ही है। उदय सर का ही है, सर का ही है। तुमको आइडिया देव राय का आइडिया समझा क्या? देव राय का आइडिया समझा क्या? ऐसे वाले टर्म को समझे तुम अगर एडिशन करेंगे। हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं उदय सर, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उदय सर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। क्या बोला बच्चे लोग, सुना क्या मैं क्या बोला? हाँ भैया। क्या ये 26 का सट्टा क्या मान गया सर? ये जो रूट है ना, इसको एडिशन करें। कहाँ गया भाई ये? ठीक है, कल बताएंगे, कल बताएंगे सर। वो इसका आपके डॉक्यूमेंट में पेपर है, 10 साल का, निकालो जल्दी, निकालो, शेयर करो। पोस्ट कौन है सर अभी? पोस्ट कर आप ही है सर, अनिश स्कूटर आप ही सर। फोन है ना, फोन अनिश स्कूटर क्या हुआ है ना अपने? फैजान सर, फैजान सर, फैजान सर सर, फैजान सर, फैजान सर, फैजान सर आप होस्ट हैं? चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अलाउड नहीं ना, अलाउड नहीं है सर। फैजान सर मुझे होस्ट बनाओ आप। फैजान सर फोन करो उनको, शायद नहीं रहेंगे इधर सर। तो उदय सर ने कैसे शेयर की हुई थी स्क्रीन, आप ही बताओ मुझे। उदय सर होस्ट है, पहले होस्ट है ना। अरे कैरी मिनाटी बहुत अच्छा लड़का है, उसको तकलीफ मत दो यार। जरा वो अपने लिए कैसा रहता, सूत्रधार है, नाना पाटेकर का काम करता। पिक्चर कर रहा है वो में नाना पाटेकर। अच्छा अच्छा कैरी मिनाटी का ब्रदर है भैया वो। हाँ नाम सैरी मिनाटी होना चाहिए। नहीं नहीं वो बोल रहा है सर टाइम पास कैरेक्टर नहीं है, कोई अपने क्लास का ही बच्चा है वो। अरे फैजान सर फोन बिजी जा रहा है। अच्छा तब तक तुम लोग एक बात बताओ मुझे, आज के पेपर टफ लगे कितने इजी लगे? सर वो क्वेश्चन पूरे तौसीफ सर ने करा है। होस्ट बनाओ ना मुझे। थैंक यू सर, लाइन पे रहो ना आप, मैं इधर बात कर। अरे उदय सर बेचारे छोड़कर भाग गए ना, उनका नेट नहीं चल रहा था। सर टाइम पास कैरेक्टर नहीं है, अभी थोड़ा वक्त से पीछे चल रहा हूँ। जिस दिन ऊपर आएंगे ना उस दिन धमाका करके जाएंगे, डुम बुम सर। और आपकी सबाशी जिस दिन एनडीए पास होने होंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे ना उस दिन मजा आएगा। मॉनिटर योर बिग ब्रदर इज कमिंग सून। अरे तन्मय सब तेरे पीछे पड़ गए यार। अच्छा पढ़ने दो सर, सर 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 सब सब सर अकेले को नहीं जाना है, सबके साथ जाना है सर। तन्मय को परवाह नहीं किसी की। हां भाई मुझे बताओ आज के पेपर में क्वेश्चन आपको टफ लगे कितने इजी? सर वो तौसीफ सर ने सब कराए हुए, तौसीफ सर ने कराए हुए क्वेश्चन कराए हुए थे ऑलमोस्ट। तो मुझे अगर तौसीफ सर के कराए हुए क्वेश्चन है ना वो, तुम्हारे 120 के 120 करेक्ट होना मांगता।
बन गया सर, होस्ट बन गया। अब जरा वो लगा ना अपन, हम लोग ये कर रहे थे हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे थे सर, वही लगा रहा हूँ सर। कौन से साल का लगाना है आप मुझे बता, कोई भी लगा सर, क्या फर्क पड़ा? आज का लगाना है डेरिटिस का, आज का पेपर लैपटॉप में नहीं है वो डाल दो ना, प्रैक्टिस सेट डालो सर, बहुत जरूरी है सर। फिर अभी फॉरेन डिसीजन चेंज, अभी तो आप बोल रहे हो प्रीवियस ईयर लगा, नहीं नहीं जो है वो प्रीवियस ईयर ही लगा रहे हैं। मेरी सेयर भी है मेरे पास, प्रैक्टिस सेट भी, आप बताओ क्या लगाना है। मैंने जो अभी डाउनलोड किया ना इंस्टाग्राम का, वो चाहिए मुझे, वो मुझे नहीं मालूम आपने कहां डाउनलोड किया, चेक करता हूं रुकिए सर। इसमें डॉक्यूमेंट में आज ही डाउनलोड किया है, कल डाउनलोड किया था। हाँ हाँ हो गए ठीक है। ये वो किधर है पेपर, डॉक्यूमेंट में था ना पेपर का, सर ये नीचे दिख रहे ना, एनडीए प्रीवियस ईयर ईबुक ssbcrack.com वाले। हाँ यही सब बोझ बोझ यार, मैं जब टेक्निकली परफेक्ट हो जाएगा ना, मैं तो तहलका मचाएगा पूरे इंडिया में। टेक्निकल का प्रॉब्लम मेरा, मेरे को जरा सपोर्ट करो, फिर मैं देखो क्या करता हूं सर। वी आर वेटिंग फॉर दैट सर। सर डेस्परेट हूँ पढ़ाने में, टाइम वेस्ट हो रहा है, बस 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 यही कराना है। नहीं गैट का खोलना है सर, मैट सॉप पढ़ा देंगे ना, मेरे से अच्छा पढ़ाते हो सर। क्या बच्चे लोग, मैंने बराबर बोला ना? नहीं रे नहीं। हाँ सर, हाँ सर, आपका भी गलत। दोनों बढ़िया पढ़ाते हैं सर, दोनों बढ़िया पढ़ाते। जो अभी देहरादून IMA का जो सिलेबस रिफॉर्म कर रहे ना भैया, वो मेरे स्टूडेंट्स है, फॉर सिक्योरिटी रीजन में उनका नाम नहीं ले रहा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ सर? ये देखो ये हाँ भैया, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला? हाँ भैया, पूरा IMA का सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं वो लोग। नहीं नहीं बैठो ना, नहीं बैठो सर यहाँ। ए पढ़ रहे तन्मय? कौन सा वाला भैया? मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ो तो 134 ऐसा चलेगा? 129 से उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, और ऊपर ना यहाँ से थोड़ा सा ऊपर इससे होता है। हाँ जरा बस 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 सर, जरा देखते हैं मैं भी यहाँ से शुरू। नहीं मैं करता हूँ 1826। बस 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 यहाँ से चालू करें बच्चे लोग। पहला फ्यूज वायर का मेरे को मालूम है, फ्यूज वायर क्या होता है बोलो? 120 इंसुलेटर एंड हाई मेटल। फ्यूज वायर में, फ्यूज वायर में चैट बॉक्स में लिखो 60% लेड रहता है, 40% टिन रहता है। पहले वो लिखो, कितने लोगों पहली बार मालूम पड़ा है? सर सुना नहीं, वापिस एक बार। फ्यूज वायर में 60% लेड रहता और 40% टिन रहता, पहली बार। हाँ अथर्व कोतवाड़े लिख के ले ले फिर। फ्यूज वायर बनाते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला किधर, कितने एग्जांपल है? ए है, ए ऑप्शन दो है, दो तो डी को कंडक्ट करता है। आंसर ये रहेगा ए सर। मेरा लॉजिक समझा क्या? देखो बच्चों, मैं वो आदमी हूँ तुम्हारे जैसा जो पढ़ के नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाया नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ाया, लेकिन मैं विदाउट प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने छट्टा कैसे मारा वो सिखा रहा तुमको। हाँ बताओ सर, बच्चे लोग सुनो ध्यान से, इसमें जो है सर करेक्ट करना करूंगा, ये फ्यूज वायर किस लिए यूज होता है? जाहिर सी बात है हाई करंट को अवॉइड करने के लिए, सिंक के लिए होता है। अरे हाई करंट को अवॉइड करने के लिए होता है ना, कि ताकि हमारे तो जाहिर सर आपका आवाज, सर आवाज कट हो रहा है आपका, आवाज ब्रेक हो रहा है। तो सब लोग चुप हो जाओ, मैं बोलता हूँ, सिर्फ सुनो ध्यान से। अभी आवाज सही आ रहा है मेरा? हाँ सर ठीक है। फ्यूज वायर हमारा इसलिए यूज होता है ताकि जब भी हाई करंट आए सर्किट के अंदर तो हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो, बराबर है? तो जाहिर सी बात है फ्यूज वायर का कंडक्टिंग वायर होना जरूरी है। अगर वो इंसुलेटर होगा तो करंट पास ही नहीं करेगा, तो ऑफ स्विच हो गया।
तो ऑप्शन ए या बी में से कोई सा एक आंसर है, इंसुलेटर तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए या बी में से कोई सा एक इंसुलेटर आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, आवाज कम आ रहा है और बाकी किसी का माइक से इको जनरेट हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तिवारी, तिवारी का माइक है सर। तिवारी जी सर, ठीक है, मैं अनम्यूट कर ली। अनम्यूट नहीं, म्यूट करने का है। म्यूट किया। हाँ ठीक है, आप सब सुनो ध्यान से, अभी साफ आ रहा है आवाज? सर। जो फ्यूज वायर है वो इसलिए यूज होता है ताकि हाई करंट आने पर हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो और वो हमारा सर्किट को ब्रेक कर दे, राइट? तो यहां से बात कंफर्म है कि फ्यूज वायर एक कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि वो हाई करंट आने पर ही सर्किट को ऑफ करेगा। तो ऑप्शन सी और डी खत्म हो गए। दूसरी बात, ए और बी में लो मेल्टिंग, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो बहुत ज्यादा करंट आने के बाद वो वायर मेल्ट होगा, तब जाके सर्किट ब्रेक होगा, बहुत ज्यादा करंट हाई होने के बाद, और तब तक हमारे अप्लायंसेस खराब हो चुके होंगे। तो इसलिए उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही करंट थोड़ी सी तेज होगी या करंट जैसे ही बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ती हमारा वायर मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। बात समझे क्या? नहीं तो इसको रटने से बेहतर है समझ के लो। फ्यूज वायर हमारे इसलिए यूज होता है ताकि हमारे सर्किट सेफ रहे, हमारे अप्लायंसेस सेफ रहे, और सेफ रहने का मतलब है हाई करंट आती वो सर्किट को एमसीबी की तरह ब्रेक कर दे। और सर्किट ब्रेक होने के लिए पहली बात तो है उसका कंडक्टर होना जरूरी है, ताकि जब लो करंट है तब तो कम से कम अप्लायंसेस के अंदर आती रहे वो, और जैसे ही हाई हो तो फौरन वो हमारा वायर ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के लिए मेल्टिंग पॉइंट लो होना जरूरी है, ताकि थोड़ा सा भी हाई होते ही टेम्परेचर बढ़ते ही वो सर्किट ब्रेक कर दे। बात समझे कि नहीं? यस सर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस लॉजिक के हिसाब से, हालांकि मुझे आंसर नहीं पता था इसका, बट एक लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से आंसर ऑप्शन ए होगा। सही है। अभी 119 हमारे एक आईआईटी के टीचर है मैत्री सर, मैत्री खंडागले, वो बताने वाले हैं। रीड 119। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एट अलिशना। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा भैया। LIGO के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो LIGO एक कोलैबोरेशन है नासा हेडजेट, एंड इट इज बेसिकली उसका काम है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करना। तो हमने अपना पहला ग्रेविटेशनल वेव 2017 में डिटेक्ट किया था, किसी को याद है? तुमने शायद न्यूज नहीं देखा होगा तभी, क्योंकि बच्चे थे। वैसे कि ग्रेविटेशनल वेव इज अ फिनोमेना वेयर इफ अ स्टार लाइक एक ब्लैक होल है और एक स्टार उसको खा जाता है, तो ऐसा होता है कि स्टार का बहुत बड़ा मास है, जब इतना बड़ा मास किसी ब्लैक होल में चले जाता है तो उससे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है। व्हेन सच अ बिग मास इन स्पेस इज डिमोलिश्ड तो ग्रेविटेशनल वेव निकलती है। इसलिए तुम सीधा बोल सकते हो कि ए आंसर होगा, क्योंकि उसे ग्रेविटेशनल वेव बोलते हैं, ग्रेविटेशन वेव नहीं बोलते, ग्रेविटी नहीं बोलते, गैसियस ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिक्स नहीं बोलते। LIGO एक वो इंस्टीट्यूट है, LIGO। सो LIGO तो LIGO इज द इंस्टीट्यूट दैट looks after, मतलब it is a collaboration that, so laser interferometer, so laser interferometry एक टेक्निक यूज करके, उनके तीन इंटरफेरोमीटर्स है, एक US में, एक यूरोप में है, और एक अभी इंडिया में बन रहा है रिसेंटली, आई थिंक वो हिंगोली या कहीं तो महाराष्ट्र में ही बन रहा है। तो ऐसा है कि वो तीन या चार सेट ऑफ इंटरफेरोमीटर्स से वो ग्रेविटेशनल वेव जब कहीं पे भी स्पेस में जनरेट होती है तब वो यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं हम। और वही बेसिकली तो LIGO वही काम कर रहा है अभी रिसेंटली, वो बहुत इंडिया LIGO इंडिया करके एक प्रोजेक्ट है जिसपे काम चल रहा है, महाराष्ट्र में ही बन रहा है, तो किसी को इंटरेस्ट हो तो गूगल करना LIGO इंडिया करके, ठीक है? ऑप्शंस तो देखो, अभी लेजर इंटरफेरोमीटर, लेजर का फॉर्म पता है? हाँ, किसी को पता लाइट इंटरफेरोमीटर पहला लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेशन बाय
सर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं रहा। हाँ लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन किधर है तुम्हारा कोई भी चार्ज सर बंद कर दो नहीं पढ़ाना मेरे को भाई कोई लिखा तो मैं पढ़ेगा आगे तो नहीं पढ़ेगा आईआईटी में बैठा है सर क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है तुमको भैया कुछ सुनाई नहीं दे रहा समझ रहा नहीं आवाज नहीं आ रही सुनाई नहीं दे रहा है लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एमिशन बाय स्टिम्युलेटेड लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हाँ भैया किधर लिखा लेजर का फुल फॉर्म क्या लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन മലയാളം കൊത്തോടെ ചല അഭി 121 പഠ കൊത്തോടെ 121 പഠ ജല്ദി कमरा तमिलनाडु तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु आता चेन्नई क्या कामराजर पोर्ट ना हाँ चेन्नई ये थर्मल पोल पे चलता चेन्नई 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 पक्का चेन्नई तमिलनाडु अभी देखो मैं कैसे गेस मारूंगा मालूम क्या अरे सुन रहे क्या मैं कैसे गेस मारूंगा भैया वो जो सर का लेक्चर था ना अल्ताफ सर के लेक्चर में मेरा बहुत दिल कर रहा था बोलने का लेकिन मैं बोला नहीं वो क्या होता फिर टीचर को जरा लगता कि भाई शाइनिंग कर रहा कामराज है ना कामराज भाई लोग सुन रहे कि हाँ बोलो नहीं तो ना बोलो कामराज है ना कामराज तमिलनाडु का सबसे बड़ा लीडर है कामराज वो आदमी है जिसको एआईडीएमके का पार्टी का प्रोत्साहन किया ये जो जयललिता है ना जयललिता उसका हस्बैंड का नाम मालूम है तुम्हारे को हाँ जयललिता का हस्बैंड का नाम एमजीआर नाम था एमजीआर एमजीआर हाँ एमजीआर ये केरला का बंदा है मेरे गाँव वाला है पालघाट का और वो तमिलनाडु का हीरो था तो वहां हीरो को क्या करते मान के भगवान बना दे तमिलनाडु में उसके नाम का मंदिर भी बनता बताए भैया हाँ एक औरत है खुशबू लेडी है उसके नाम का भी मंदिर है एक्ट्रेस है नगमा उसके नाम का भी मंदिर है तो तमिलनाडु में और अपना रजनीकांत है ना रजनीकांत एक्चुअली वो जय महाराष्ट्र है बोले मैं तुम्हारे को निपानी का है वो हाँ और ये याद रखो कामराज ये कामराज वो आदमी है साउथ इंडिया में जो जयप्रकाश नारायण नॉर्थ इंडिया में कितने लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा मैं बहुत डीप बात कर रहा बच्चों लोग जो बात कर रहा तुमने अगर समझ लिया ना तो तुम में सट्टा मार सकते हैं कौन बात कर रहा अभी कौन बात कर रहा है उसको हकल को दो मैं क्या बोल रहा कामराज वो आदमी है साउथ इंडिया में जो जयप्रकाश नारायण नॉर्थ इंडिया में है जयप्रकाश नारायण कौन है मालूम है क्या तुम्हारे को हाँ जो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा था हाँ वेरी गुड ये जो मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर आजाद जॉर्ज फर्नांडिस लालू प्रसाद यादव ये जितने भी लीडर है ना आज के ये सब जयप्रकाश नारायण के चमचे थे या चेले थे बात समझ में आ रहा मैं क्या बोला यस सर आज के जो जितने लीडर है तुम्हारे को ये सब लीडर समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के जो बीजेपी का पुराना नाम जनसंघ था उनका लीडर था जयप्रकाश नारायण हाँ भैया हाँ भैया जो जो रोल जयप्रकाश नारायण ने प्ले किया नॉर्थ इंडिया में वो सेम रोल साउथ इंडिया में कामराज ने प्ले किया कामराज रोल मॉडल था एमजीआर के लिए एमजीआर का बीवी का नाम था जयललिता और एमजीआर का एक्टर था जयललिता उसकी हीरोइन थी और उसका स्क्रिप्ट लिखने वाला डायरेक्टर और गाना लिखने वाला था करुणानिधि क्या नाम था उसका करुणानिधि क्या नेहरू के जमाने में उन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया था तो ये तमिलियंस उसके खिलाफ है तमिलियंस ये ड्राविडियंस है उनको अगर तुम जल्लाकुट्टी के बारे में बात कर रहा था सर उस टाइम पे मैं बीच में घुसने वाला था लेकिन मैं घुसा नहीं जल्लाकुट्टी उनके लिए खेल नहीं है उनके लिए रिलीजन है बात समझ में आ रहा हाँ भैया हाँ तो उनके खिलाफ उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर के खिलाफ किससे बात करा ना तमिलनाडु में उसकी बात है
तो ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा कायगम ये जो पार्टी है ना उसका ओरिजिनेटर जो है ना एमजीआर उसका मेंटर वो कामराज था भैया. एमजीआर का हैदराबाद में भी है ना. अरे ये एमजीआर का हैदराबाद में इसलिए है क्योंकि वो टॉलीवुड है. जितने भी तेलुगु में कन्नड़ में और जो तमिल में और केरला में जो पिक्चर बनता ना वो सब वो हैदराबाद उसका मेन सेंटर है. समझा क्या? रामोजी फिल्म सिटी. रामोजी फिल्म सिटी. देख मैं क्या बोल रहा, तू मेरे बात को सुन. मैं बहुत अच्छे से तुमको समझा रहा. जैसा कामराज निकला ना तो मेरे को मालूम है आंसर तमिलनाडु है क्योंकि कामराज वो तमिलनाडु में हो सकता. ये बात तुम्हारे समझ में आया क्या? यस सर. मैं ये सब क्यों बता पाया तुमको पूरा उसका हिस्ट्री मालूम है एआईडीएमके का. हाँ भैया. हाँ ब्लैक गांधी और है. ब्लैक गांधी वो नहीं रहे बाबा. ब्लैक गांधी जो था ना वो इधर था यूएस में था. यूएस में उसका नाम क्या था? ह्यूमन राइट्स लीडर था. कौन बताएगा ब्लैक गांधी किसको बताते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर. वेरी वेरी गुड फैंटास्टिक. क्या नाम है उसका? मार्टिन लूथर किंग जिसने बताया. कौन है? आतंक अंश. अंश वेरी गुड अंश. कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? ए, मेरा चाय मेरे को दे. ये मेरा चाय मालूम था पहली बार. हाँ पहली बार मालूम पड़ा ना. मार्टिन लूथर किंग नहीं मालूम तो एनडीए पास नहीं होंगे. कामराज नहीं मालूम तो तुमको साउथ इंडिया का हिस्ट्री नहीं मालूम. तुमको पढ़ने को नहीं आता यार. पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसा पढ़ाई किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्रेशोल्ड के ऊपर आना बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेड खाओ ना. ब्रेड खिलाओ बहुत अच्छा लगता. अच्छा अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुन रहे क्या? हाँ सर. हाँ भैया. एक बहुत भारी पोर्ट है बॉम्बे के पास जो बहुत फेमस है. उसका नाम है जेएनपीटी. हाँ शाहरुख भाई. जेएनपीटी. हाँ जेएनपीटी का फुल फॉर्म क्या? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. इनको अगर जेल पीटी नहीं मालूम वो एनडीए पास नहीं हो सकता. अभी भैया पहले अभी जो ये था निसर्ग तूफान पहले वहां पे ही गया था ना? नहीं. ओडिशा में ऐसा कौन सा फोर्ट बना है ओडिशा जो बहुत सारा नुकसान हो गया उनका लेकिन एक वो बहुत भारी पोर्ट था ओडिशा में. वो पोर्ट का नाम क्या? तुम लोग बहुत पीछे है बच्चे लोग यार. बहुत मुश्किल है ये तो. मैं तो सोच रहा मैं भी मेरे को लग रहा मैथ छोड़ के सब पढ़ाते बैठूंगा सर. इसीलिए बच्चे पास नहीं हो रहे मेरे को अभी आज समझ में आ रहा. बॉयज ओडिशा में जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? गोपालपुर पोर्ट. गोपालपुर पोर्ट. गोपालपुर. और एक जो नया बनाया धर्मा. और बस दो ही है. पारादीप. अरे तुम पारादीप बोलते यार बाकी सब फालतूगिरी बोलते बैठते कैसे चलेंगे तुम्हारा? पारादीप. तुम पारादीप के बारे में बात नहीं कर सकते तुम कैसे होएगा तुम्हारा? बोलो ना मेरे को क्या खासियत है पारादीप का? बोलो. लैंडलॉक पोर्ट है. टाइडल पोर्ट. लैंड टाइडल पोर्ट है. हाँ तो टाइडल पोर्ट क्या रहता? ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर. कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आर्टिफिशियल पोर्ट है मालूम है क्या? दो पोर्ट होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है एक नेचुरल होता है. इंडिया में कितने आर्टिफिशियल पोर्ट है और इंडिया में नेचुरल पोर्ट कितने हैं? भैया टाइडल पोर्ट मतलब सी के मतलब जो टाइड्स चलते हैं उसके हिसाब से सी वो पोर्ट के वाटर लेवल चेंज होता है. ये पैराडिप पोर्ट जो बनता है ना पैराडिप ये बे ऑफ बंगाल और एक रिवर आता है जिसके कॉन्फ्लुएंस में ये पोर्ट है. और रिवर का नाम मालूम है क्या? महानदी. वेरी गुड फैंटास्टिक. महानदी. चल पूरे इंडिया के पोर्ट्स के नाम बताओ. एक तो मैंने तुमको बताया ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को प्यार से क्या बुलाते हैं? जेएनपीटी का पार्क प्यार से नाम क्या है? नावासेवा. वेरी गुड नावासेवा. और इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट किधर है? विशाखापट्टनम. वही है सर. मुंबई पोर्ट अलग है नावासेवा अलग है. विशाखापट्टनम पोर्ट किधर है? आंध्र प्रदेश. उसकी उसका फायदा क्या है? आंध्रा विशाखापट्टनम. लैंडलॉक. आर्मी नेवी एयरफोर्स कौन सा सेंटर इंडिया का? लैंडलॉक. लैंडलॉक पोर्ट.
नेवी नेवी का सेंटर है। सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया का मुंबई है, सेकंड पोर्ट कौन सा है? मुंबई। चेन्नई 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 मार्मोगो पोर्ट किधर है? मार्मोगो पोर्ट गोवा। मार्मोगोवा गुजरात में बहुत बड़ा पोर्ट है, उसका नाम क्या है? कांडला। कांडला 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 देखो कांडला ये गुजरात में, कांडला एक एच लगा है तो यूपी में, ये डिफरेंस समझ के लो, बहुत कम लोगों को मालूम है। क्या बोला जुगलबंदी ज्योग्राफी में? कांडला पोर्ट गुजरात में और एच लगा है। एनडीएलए बोला तो वो किधर है? गुजरात में। के एन डी एच बोला ना तो वो यूपी में, यूपी यूपी। उत्तर अपना ओडिशा का कैपिटल, ओडिशा का चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उसके बाप का नाम क्या था? क्या सर? पता नहीं। अरे ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक, उसके बाप का नाम क्या था? उसके बाप के वजह से तो वो है, इसको कौन पूछता था, ये तो ये बाहर जाके पढ़ने को गया था। जो ओडिशा जो बनाया ना, ओडिशा में जो डेवलपमेंट आया, बीजू पटनायक। बीजू पटनायक। बीजू पटनायक। बीजू पटनायक पहली बार मालूम पड़ा? पहली बार। पहली बार। पहली बार। पहली बार। पहली बार। आंध्र प्रदेश में कितने पोर्ट है? आंध्र प्रदेश में सर महाराष्ट्र में 53 है। आंध्र प्रदेश में 15 है। बिगेस्ट पोर्ट है ओडिशा। ये पारादीप पोर्ट है? नहीं, बिगेस्ट धामरा है, धामरा याद रखो। हाँ सर, गूगल पे बिगेस्ट पोर्ट मुंबई दिखाता है। हाँ तो मैंने मुंबई बोला, सेकंड बेस्ट बोला चेन्नई। अच्छा सॉरी सर। हाँ जरा सुनते जा अथर्व, कान को चश्मा लगा। हाँ भैया। भैया टूटीकोरिन पोर्ट भी है तमिलनाडु, मालूम है ना? वो सबसे भारी आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखो। तमिलनाडु का जो टूटीकोरिन है ना, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, और तमिलनाडु का सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा चेन्नई है। और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? मद्रास, मालूम है? मद्रास। मद्रास पोर्ट। और कंटेनर ट्रांसपोर्ट मछलीपट्टनम जेएनपीटी में होता है, जेएनपीटी। और डीपेस्ट पोर्ट कौन सा? डीपेस्ट पोर्ट गंगावरम पोर्ट है, गंगावरम आंध्र प्रदेश में। और बिगेस्ट सी पोर्ट जो है वो नावाशेवा है। नावाशेवा अरेबियन सी का किंग है, राजा है वो। और इतना भारी है ना, उधर जानते टॉपिक के बारे जाऊंगा सर। लोथल करके एक है भैया, ये मेरे को ये बताओ, कोचिन पोर्ट भी है ना? कोचिन पोर्ट लार्जेस्ट सी पोर्ट है ना वो? नहीं नहीं, वो अभी ये जेएनपीटी है। जेएनपीटी में जो बिजनेस होता है ना बच्चों लोग, एनुअल ट्रैफिक सर ये 5 मिलियन TEU है। व्हाट इज TEU? कौन बताएंगे व्हाट इज TEU? ट्रिलियन ट्रिलियन यूरोस। नहीं नहीं नहीं, ये वजन का TEU, इसको गूगल करो। टन। नहीं नहीं, टन। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। हां टाइप कर जरा, अंदर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। 20 फुट इक्विवेलेंट। हां भैया सर, ये वाला रिपीट करो ना अभी क्या बोले। TEU टाइप करो, TEU कितना TEU था सर? 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। नहीं वो कितना, नहीं नहीं कितना मिलियन बोला था मैंने? 5 मिलियन। 5 मिलियन जेएनपीटी का। ए 119 हो गया, 118 पे आओ। फिजिक्स का डॉन बैटल अनीस क्लासेस में, आईआईटी मुंबई का स्टूडेंट है। कहाँ गए, ऊपर क्यों नहीं जा रहा सर? ये बना कहाँ जा रहा? बी ऑप्शन। बी ए बी है ना, तेरे टेंशन मत ले। बी। अच्छा 118 व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट बीम दैट डेविएट्स द लीस्ट, कौन सा लाइट रेड रेड लीस्ट कौन सा डेविएट होता है? रेड रेड। हां विद्युत देखना, विद्युत देखने का विद्युत डेविएट कौन होता? डेविएट जो कम से कम डेविएट होता है ना, उसका वेवलेंथ सबसे छोटा रहता, ऐसा है ना? शाहरुख सर कुछ पूछ रहे हैं, वेवलेंथ विप्योर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है?
इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कॉन्टेक्स्ट में एक बोलो कोई तो भी 114 डिस्कस किया था सर ने, इसमें फिजिक्स है और इसमें मैथ्स भी है सर। सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती विबग्योर की और लैम्डा डिक्रीज होता वेवलेंथ। वेवलेंथ भी इंक्रीज सबसे ज्यादा वेवलेंथ। हां ये 114 पीपीटी में था असद सर के, कौन आंसर बोलेगा? हां भैया सर इसका ए बी डी एबीडीसी एक्सेलरेशन का क्या होता है कि वेलोसिटी, तो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी शुड डिक्रीज, नहीं एक्सेलरेशन में इंक्रीज होना चाहिए वेलोसिटी। तो तुम देखोगे सीडी में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम जैसे ही आगे जा रहा है वैसे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है राइट। जब तुम सी से डी की तरफ जा रहे हो तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, सीडी होगा तो ए या सी होगा। और डिसेलरेशन, डिसेलरेशन में क्या होता है वेलोसिटी कम होगी जब जैसे टाइम बढ़ेगा। तो ए बी में देखो तुम स्लोप ऐसा है कि टेढ़ा स्लोप है, तो ए बी में ये हो रहा है अपना डिसेलरेशन हो रहा है। बी सी में वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो ग्राफ का ही बोलना है ए बी को अपने नीचे प्लॉट किया ना तो स्लोप नेगेटिव आता है। एक बात बताओ डेस्मोस का लेक्चर लिया था तुम लोगों ने? हाँ सर। यार तुम ये भूल कैसे सकते हो? हाँ तुम्हें मैंने ग्राफ पढ़ना सिखाया था, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू बढ़ती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू घटती है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप मुझे ए से बी तक बताओ, पॉइंट ए और बी दोनों पर अगर एक्स की वैल्यू चेक करेंगे तो बी राइट में है ए लेफ्ट में है? यस सर। तो यानी बी के लिए एक्स की वैल्यू बड़ी वाई की वैल्यू और ए के लिए एक्स की वैल्यू छोटी है? यस सर। यानी ए से बी तक अगर आप जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? टाइम के बढ़ने पर वेलोसिटी घट रही है ना, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी घटना मतलब आपने ब्रेक लगाए हुए हैं तो रिटार्डेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन। तो ए से बी तक वेलोसिटी कम हुई, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, मैथ्स का है। बी से सी तक बताओ मुझे, बी से सी तक क्या किया तुमने? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है वेलोसिटी, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? ओ वेलोसिटी, बी से सी तक जाने पर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आया तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हुई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? मतलब नहीं पता, भूल जाते हो। अब सी से डी तक देखो, सी से डी के बीच में क्या बात हुई? सी से डी तक क्या हुआ? सी से डी तक जाने में आपने टाइम को, टाइम बढ़ रहा है, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पे? मैं अभी लिखता हूँ और मैं ना सच में भगा दूंगा उसको क्लास से, शर्म नहीं आती बताइए, परेशान करते हो तुम। नेम ऑफ एनोटेटर्स, और पता है अगर क्लास से नहीं भगाया तो बद्दुआ दे दूंगा मैं, परेशान ना करो नहीं तो फेल हो जाओगे एनडीए। सुनो ध्यान से, अब सी से डी तक जाने पर हमारा टाइम इंक्रीज हुआ और वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ा ये बताओ? अरे ग्राफ ऊपर की तरफ गया ना, पॉइंट सी से आप डी तक जा रहे हैं मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई, बड़ी इंक्रीज हुई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसा होगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। आपको याद होगा, मैं इसको AOD से लिंक करता हूँ, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉजिटिव होता है दैट मींस f'x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। बात समझे के नहीं? हाँ यस सर। हाँ, तो AOD का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे,
ए से बी तक वेलोसिटी यानी डीवी बाई डी टी हमारा यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव था, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। बात समझे कि नहीं? यस सर। अब मुझे ये बताओ बी से लेकर डी तक इंक्लूडिंग सी, यानी बी से डी तक दो पाथ हैं, पहले बी से सी फिर सी से डी, तो बी से डी तक मेरा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या ओनली इंक्रीजिंग? ओनली इंक्रीजिंग। ओनली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है? अरे भाई थोड़ा थोड़ा इंक्रीज नहीं होता, ओनली इंक्रीजिंग का मतलब है फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, उसका रेट जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, ये है ओनली इंक्रीजिंग, ठीक है। और स्ट्रिक्ट इंक्रीज का मतलब होता है हमेशा फंक्शन इंक्रीज ही होगा, आप चाहे थोड़ी सी भी डिस्टेंस चलो, आप देखो बी से सी तक फंक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन डिक्रीज भी तो नहीं हुआ ना। सुनो कंडीशन बता रहा हूं मैं, स्ट्रिक्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है एफ डैश ग्रेटर देन जीरो, और इंक्रीजिंग का मतलब होता है एफ डैश ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। बस समझे कि नहीं? हाँ सर। तो बी से डी तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन सी से डी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ जी। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था लाइन सेगमेंट में, तो भैया ऐसी बात है, अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो क्या मानेंगे इसको रियल लाइफ से रिलेट करो, तो ए से बी तक आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर बी से सी तक आपने कांस्टेंट रखी और सी से डी तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। अगर आप इसे रियल लाइफ में कंसीडर करें तो शेयर मार्केट का पाथ कंसीडर करेंगे, इसे मैं कह सकता हूं ए से बी तक मेरा आपको ऊपर जाने ऊपर की तरफ जाने पे वेलोसिटी कम होती है। यस अरे हां या ना? फिर बी से सी तक आप हॉरिजॉन्टल चले तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही, और सी से डी तक आप नीचे उतरे तो नीचे उतरने पे वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो आप ए से डी तक के पाथ को एक फ्लाईओवर कंसीडर करो, जिसमें पहले ए से बी तक आप ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हुई, बी से सी तक आप हॉरिजॉन्टल चले उस ब्रिज के ऊपर तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही, और सी से डी तक आप नीचे उतरे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। बात समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ ठीक है, मेरा फिजिक्स कवर हुआ, मेरा मैथ का पोर्शन कवर हुआ, फिजिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स, असद सर और शाहरुख सर जुगलबंदी। हाँ इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स इन फिजिक्स, फिजिक्स का कंसेप्ट असद सर बताएंगे, उसके अंदर का मैथमेटिकल कंसेप्ट। अच्छा करण अर्जुन लगते, बस करण अर्जुन अनिस क्लासेस के इन मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है? यस सर। यस सर। कैसा आपका आइडिया, अच्छा लगा ना? बढ़िया। अभी उसके ऊपर का एक क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स के डॉन बैठे हैं, 112 क्वेश्चन पढ़ो मैत्री। चलो 112 क्वेश्चन है, उसमें तीन ऑब्जेक्ट्स दिए गए और तीनों का एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उल्टा एक्स एक्स एक्सिस पे और टाइम वाई एक्सिस पे, और पूछा गया वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताओ। तो इसमें अभी ये ट्रिक क्वेश्चन है, पूछो बताओ। चलो बताओ कैसे अप्रोच करोगे, आंसर क्या रहेगा? ए बी रहेगा। बताओ कोई एक बताओ, बी आंसर सब लोग लिख रहे हो, क्यों बी? बाकी स्लोप उल्टा, स्लोप की वजह से, स्लोप की वजह से, स्लोप की वजह से, स्लोप स्लोप तो ए का कम है सी का ज्यादा है। नहीं सर वो उल्टा है ना ग्राफ, तो उल्टा ग्राफ है सर, एक्स बाय टी ग्राफ है ना। बढ़िया इसलिए सही है, सही है। इसका स्लोप कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा। पहली बार कितने लोगों को समझा उल्टा स्लोप सर? नहीं समझा, नहीं समझा। अरे तो मैं बताता हूं, चलो तो तुम लोग ए ऑब्जेक्ट ए और सी को कंपेयर करते हैं। चलो तो ए का तुम ग्राफ देखोगे तो x एक्सिस पे मतलब
उसका एंड पॉइंट देख लो जहां पे खत्म हो रहा है वो लाइन, उस पे टाइम देखो, टाइम अगर y1 है और c का टाइम अगर y2 है, t2 है, आप बोलते रहिए, c का टाइम अगर t2 है तो देख लो c का टाइम, c ज्यादा टाइम ट्रेवल कर रहा है, बट और उसके अगर x एक्सिस पे ड्रॉप करोगे तो देखेगा कि c कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और a x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर तो तुम देख सकते हो कि a ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कम टाइम में और c कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ज्यादा टाइम में, तो तुम सीधा सीधा बता सकते हो कि a की वेलोसिटी c से ज्यादा होगी, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें a की वेलोसिटी c से ज्यादा है, समझ गए? हाँ सर, यस सर, समझा। और कहीं तो तुम सीधा स्लोप से, स्लोप आर्गुमेंट से बता सकते हो कि ये क्या बोलते हैं, एक्स वर्सेस टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस अपॉन, जब अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस पे हो और टाइम एक्स एक्सिस पे हो तो स्लोप, उसका स्लोप वेलोसिटी बताता है, ठीक है? तो अभी इसमें एक्सिस उल्टा कर दिया है तो मतलब स्लोप भी उल्टा हो जाएगा, तो मतलब वन बाय स्लोप कंपेयर कर सकते हो तुम, तो वन बाय स्लोप कंपेयर करना मतलब सी का स्लोप ज्यादा है तो तुम और ए का स्लोप कम है इस वाले ग्राफ में, तो वेलोसिटी कंपेयर करने के लिए तुम वन बाय स्लोप कंपेयर करोगे, तो अगर ए का स्लोप कम है तो वन बाय स्लोप, वन बाय स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर। देखो यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस सर, यहाँ से जाके ड्रॉ करके लाइन में से जाके, बच्चे लोग सुनो ध्यान से, x एक्सिस पर डिस्टेंस है, y एक्सिस पर टाइम है, बराबर ना? तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी, वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैंने क्या किया, जब भी ऐसे कंपैरिजन वाले ग्राफ आया करें तो या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो या एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल से समझा रहा हूँ फिर वर्टिकल से समझाऊंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर टाइम कॉन्स्टेंट हो गया, हाँ या ना? तो इसका मतलब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन t इज इक्वल टू 5 मिनट है, बराबर, t इज इक्वल टू 5 मिनट फॉर एग्जांपल। तो जो c वाला कर्व है उस c वाले कर्व के अकॉर्डिंग पहली वाली वेलोसिटी जो है वो x1 आएगी। मैं लिख देता हूं यहां पे कि कौन सा x1 है, ये मेरा पॉइंट a है फॉर एग्जांपल, ठीक। दूसरा वाला पॉइंट मैं लिखता हूं, दूसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल b है और तीसरा पॉइंट ये मैंने लिया फॉर एग्जांपल पॉइंट c। तो मुझे ये बताओ डिस्टेंस कौन सी ज्यादा है, ओ ए, ओ बी या ओ सी? ओ सी सबसे कम डिस्टेंस है, ओ बी उससे ज्यादा है और ओ सी सबसे बड़ी डिस्टेंस है, लेकिन टाइम तीनों के लिए बराबर है, हाँ या ना? तो जो पहला कर्व है सी वाला, उसने टी टाइम में ओ ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो बी वाला कर्व है उसने टी टाइम में ओ बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी सी से कम, सी से ज्यादा, ए से कम। और जो ए वाला कर्व है उसने सेम टाइम के अंदर ओसी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी ए वाले कर्व ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उससे कम बी ने ट्रेवल किया और सबसे कम सी ने ट्रेवल किया सेम टाइम में। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी ए की ज्यादा होगी, उससे कम बी की होगी और सबसे कम सी की वेलोसिटी होगी। ये बात समझ आई क्या? हाँ या ना? हाँ सर। अब ये तो था जब आपने y एक्सिस को कांस्टेंट किया, दैट मींस टाइम कांस्टेंट किया। अगर मैं उल्टा करता हूँ, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, देखो ध्यान से, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया एक, ये मैंने लाइन ली, ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब क्या करूंगा मैं, वर्टिकल लाइन हमारा, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम है, बराबर। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ए को कितना टाइम लग रहा है, सबसे कम, बी को कितना टाइम लग रहा है, उससे ज्यादा, और सी को कितना टाइम लग रहा है, सबसे ज्यादा। यानी सी के लिए जो टाइम है वो ऊपर है सबसे, तो सबसे ज्यादा टाइम सी के लिए लगा, उससे कम बी के लिए टाइम लगा और सबसे कम ए के लिए टाइम लगा, हाँ या ना? यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल करने में ए को सबसे कम टाइम लग रहा है, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। उससे ज्यादा टाइम बी को लगा और सबसे ज्यादा टाइम सी को लग रहा है, क्योंकि टाइम सी के लिए सबसे ऊपर है और ऊपर जाने पे टाइम बढ़ रहा है। तो यहां से भी हमें पता चल रहा है जितने डिस्टेंस हमारा ए हमारा कम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बी उससे ज्यादा टाइम ले रहा है और सी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है।
इसका मतलब वेलोसिटी सी की सबसे कम है, बी की उससे ज्यादा, और ए सबसे फास्ट चल रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये ओ ए ओ बी ओ सी क्या है? स्ट्रेट लाइन्स हैं। हाँ। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी का जब आप ग्राफ निकालेंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप निकालेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए मुझे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हां, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन किधर गया? अपॉन टाइम। हां या ना? तो मैं टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? यहां से, यहां से आप लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू व्हाट? एक्स अपॉन वी। हाँ या ना? हाँ। तो आप ये देखो, अगर आपने वन अपॉन वी अलग कर दिया ब्रैकेट में, वन बाई वी किधर गया, वन बाई वी, और इनटू में एक्स लिखा, तो ये आपका टी की जगह, अगर आपने टी हमारा वाई एक्सिस पर है, तो टी को मैंने वाई लिखा और वन बाई वी को मैंने एम लिखा स्लोप इंटू एक्स, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का स्लोप है। हाँ या ना? अरे हाँ बोलो। वाई इक्वल्स टू एम एक्स जो है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, एक लीनियर फंक्शन आता है, इसलिए आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो टाइम है वो डिस्प्लेसमेंट का लीनियर फंक्शन होता है। हाँ या ना? अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो लाइन का स्लोप है m, वो आपका 1 बाई टी है, इसलिए c का स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, उससे कम स्लोप b का है तो वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, और a का स्लोप सबसे कम है तो इसलिए वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी का रेसिप्रोकल है। बात समझे कि नहीं? यस सर। मैंने एक ही चीज को कई सारे तरीके से बताया, अगर यही ग्राफ हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ना होकर के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होता, केमिस्ट्री में घुस जाते, तो भी आप वेलोसिटी, ये तीनों ग्राफ की वैल्यू बता सकते हैं। बात समझे कि नहीं? यस सर। खैर सर, मेरा हो गया सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन बताना सर। तो क्वेश्चन नंबर 116 पढ़ो। ब्लैक होल इज अ व्हाट? तो अभी सबने इंटरस्टेलर तो देखी होगी, कुछ लोगों ने तो देखी होगी। तो इंटरस्टेलर में ऐसा होता है कि उस, तो अभी तुम सीधा ऑप्शन पढ़ के देख सकते हो कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज होती है कि स्टार का अगर मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जैसे अर्थ का मास है, तो अर्थ का एक सर्टन ग्रेविटी आता है, हर मास एक ग्रेविटेशनल फोर्स एमिट करता है, जैसे तुम भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एमिट करते हो, बट तुम्हारा बहुत छोटा होता है क्योंकि तुम्हारा मास बहुत कम है, अर्थ का काफी ज्यादा है, इसलिए तुम ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर सकते हो अर्थ की। तो एक स्टार जिसका मास बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसका खुद का मैटर उसके अंदर घुस गया है, तो मतलब स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल ऐसी मतलब सिकुड़ना टाइप हो गया, जो इतना ज्यादा मैसिव है, मतलब उसका मास इतना ज्यादा है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि उसने अपने आप के मास को खा लिया, मतलब स्टार खुद में कोलैप्स हो गया। स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ and has large acceleration due to gravity. तो मतलब ऐसा होता है कि ब्लैक होल के सामने से कुछ कोई चीज निकल नहीं पाती है, तुम अगर ब्लैक होल के सामने चले गए तो गए। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है कि स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ एंड हैज लार्ज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ब्लैक होल के सामने कोई भी चीज जाती है तो बच नहीं पाती है, कोई भी चीज, लाइट भी नहीं बच पाती है, इसलिए उसे ब्लैक होल बोलते हैं, क्योंकि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है, लाइट का स्पीड, लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग बट लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है, समझे? मतलब सिकुड़ना जैसे हो गया ना? यस सर। कुछ और डाउट है ब्लैक होल के बारे में? इंटरस्टेलर देखी है क्या सबने? हाँ सर। सर मतलब वो खुद में सिकुड़ जाता है ना? खुद में इतना ज्यादा, उसका मतलब उसका हर चीज का ग्रेविटेशनल पुल उसके मास पे डिपेंडेंट होता है, जैसे अर्थ का मास काफी ज्यादा है इसलिए उसका ग्रेविटी अपन एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो कोई एक स्टार जिसका जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि उसने अपने आप के मास को खा लिया, स्टार विच हैज कोलैप्स्ड इनटू इटसेल्फ, मतलब अपने आप को खा लिया उसने और बस उसका ग्रेविटी रह गया, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता, वो अपने आप को तो खा ही लिया उसने, और उसके रेडियस में कोई भी आएगा उसको भी खा जाएगा, वो लाइट को तक खा जाता है, इसलिए उसे ब्लैक होल कहते हैं, समझे?
यस सर सर लेकिन जब हाँ पूछो वो उसके मास को ही खाता है तो उसका मास रिड्यूस नहीं होगा ना नहीं नहीं वो पता ही नहीं अपने को ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं पता तो ऐसा होता है कि ब्लैक होल के अंदर कोई जा ही नहीं पाया अब तक तो ब्लैक होल के अंदर है क्या ये नहीं पता बट ऐसा होता है कि ब्लैक होल का एक सर्टन रेंज होता है जैसे वैक्यूम क्लीनर का एक रेंज होता है कि उस रेंज में कोई भी चीज आ गया वो अंदर ले लेगा तो वैसे ही ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है उस इनर मोस्ट इसको बोलते हैं उसे इनर मोस्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट उस ऑर्बिट के अंदर कोई भी चीज आ गई तो वो खींच लेगा सीधा अंदर तो उसके अंदर जाके मास अंदर जाके फिर वो हॉकिंग रेडिएशन स्टीफन हॉकिंग नाम सुना होगा हाँ सर हाँ सर तो जब ब्लैक होल कोई भी स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है सबने यस सर यस सर अथर्व सर बुला रहे मैं तुम भी बोल सकते ना स्टीफन हॉकिंग अभी जिंदा है के मर गया मर गया सर मर गया मर गया कब मरा डेट 14 मार्च को मरा था 3.14 14 मार्च को मरा था 14 मार्च को बोलते हैं पाई डे बोलते हैं क्योंकि उसकी डेट होती है 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है 22 जुलाई को भी बोलते हैं सर 22 जुलाई को पाई डे बोलते हैं उसे क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है सर बंद करो हाँ भैया हाँ 2018 को 14 मार्च अरे 14 मार्च को पाई डे बोलते हैं मालूम था क्या हाँ भैया पहली बार 22/7 को भी बोलते हैं 22/7 को भी बोलते हैं हाँ ये कैनिबलिज्म मतलब क्या कैनिबलिज्म बिल्ली अपने बच्चे को खाती इसको कैनिबलिज्म बोलते हैं हाँ मालूम है ना हाँ सर और कौन अपने बच्चों को खाता है बिल्ली के अलावा सांप सर सांप भी खाता है स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो खाता है और एक अभी तुमको बोलोगे एक ऐसी चीज है जो तुमने देखा नहीं होगा लड़के के बच्चे खाते हैं अपनी माँ को हाँ कौन बोल रहा है उमंग बोल रहा है हाँ उमंग उमंग स्कॉर्पियो के बच्चे माँ को खा जाते हैं ये मेरे को पहली बार मालूम पड़ा ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में सुनो ना मैं एक बात बोलता तुम्हारे को तुमने कभी देखा नहीं मैं एक बात बता रहा सुन रहे लास्ट बात सुन रहे क्या हाँ सर ये जंगली भैंस होता जंगली भैंस ये हम लोग केरला जाते हैं ना तो हम बैंगलोर से मैसूर जाते हैं और मैसूर से वो एक पूरा बंदीपुर फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट से बायसन ऊटी को जाते हैं वो हमारा घर है मेरे गांव में वहां पे हाँ। तो जब मैसूर फॉरेस्ट के अंदर एंट्री किया ना तो हाथ जंगली भैंस रहती जंगली भैंस हाँ। तो जंगली भैंस अपने बच्चों को जब पैदा करती है ना तो नॉर्मली बच्चे को चाटते हैं ना बच्चा जब पैदा होता तो तुमने देखा क्या माँ क्या करती चाटती है तो वो जंगली भैंस का जब बच्चा पैदा होता ना तो खुद ब खुद माँ के पास से बाहर भाग दूर भाग जाती बच्चा ही बोलो क्यों क्योंकि जंगली भैंस का जो टंग है ना इतना स्ट्रॉन्ग रहता अगर उसने बच्चे को चाट लिया ना वो बच्चा मर जाएगा हाँ इसके लिए कुदरती है अल्लाह की तरफ से वो कि भगवान ने उसको ऐसा सिफत दिया है कि पैदा होता है तो हर जानवर का माँ बच्चे को बच्चा जो है माँ को माँ चाटती है बच्चे को कि माँ के पास लिपट दिया डर लग गया अभी बबूश को डर लग गया तो वापिस माँ के पास भाग के आता तो सेम लेकिन ये जो है ना जंगली क्या बोलते हैं भैंस इसका बच्चा भाग जाता है अपने माँ के पास से फिर दो चार घंटे के बाद आता है लेकिन उस वक्त जो उसका प्रॉब्लम है कि अगर चाट देना तो मर भी जा सकती है कुछ समझ में आ रही बात हाँ सर समझ आ रही Thank you for today. Thank you, sir. The lecture was fantastic. We will continue with this lecture tomorrow. And I hope from Friday, Saturday and Sunday, we will see that we will discuss in during the test period time. Okay? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.
थैंक यू सर बाय एवरीवन बाय सर ओके ओके थैंक यू अब आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं क्या बोल रहे हैं आपको YouTube लाइव